जल्दी लगा दो मेरे भाई। हमने दूसरे मैच का स्कोर कार्ड ऑन कर दिया, इंडिया जीतने वाली है दोस्तों अब। मैन कंग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, दे आर गोइंग टू विन दिस मैच नाउ। सामना करेंगे गेंद का अब शिवम दुबे, दुबे दुबे भाई दुबा दो इस गेंद को। विकेट के एरिए में खेला, एक रन को पूरा किया, ना भी ना। मुझे लग रहा है कि फैंस को जो है वो अब थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा भाई। हमने तो स्कोर कार्ड भी चेंज कर दिया है, अब अभी तक जीत हार हो जानी चाहिए थी इस मुकाबले के अंदर, लेकिन अभी तक हुई नहीं है यार। कोई नहीं, हो जाएगी जल्द ही। चलिए स्कोर कार्ड जो है वो हमने अब चेंज कर दिया है, तो कोई ना, थोड़ा सब्र रखो तो सी। चल दबा यार, अभी तक फिनिश हो जाना चाहिए था ये मुकाबला। खैर हो जाएगा, डोंट वरी। तो दोस्तों यहाँ पर अब बॉलिंग को कंटिन्यू रखने वाले हैं करीम जन्नत। जन्नत की अगेन इस गेंद को पुल किया, मिड विकेट के एरिया में खेला, एक रन का इजाफा हुआ। सिंगल के इजाफे के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 171 पे 4। कम ऑन, दो रन्स की अभी भी ज़रूरत है टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए। ओनली 2 runs टू विन दिस मैच टीम इंडिया। दूसरी तरफ जो मुकाबला चल रहा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है अब। एंजेलो मैथ्यूज़ ने बाउंड्रीज लगाई हैं, और दो बाउंड्रीज लगाई हैं जिसकी वजह से अब 25 गेंदों के ऊपर 46 रन चाहिए टीम श्रीलंका को मुकाबला जीतने के लिए। रविंदर जडेजा ने इंडिया के लिए 234 मैचेस खेले, इंडिया के लिए नहीं बल्कि T20 क्रिकेट में 2500 रन और 200 विकेट लिए हैं। रविंदर जडेजा ने 310 मैचेस खेले, 3300 रन और 216 विकेट। ओ गाइस कम ऑन, दो रन की जरूरत है अगले ओवर की। अब शुरुआती गेंद लेकर बॉलर रहेंगे तैयार। सामना जो है वो दोस्तों इस गेंद का करेंगे यहाँ पर रिंकू सिंह। यॉर्कर गेंद को मिड विकेट के कवर्स के एरिए में खेला, एक रन को पूरा किया, करना चाहते थे लेकिन नहीं दिया या ले लिया है जी। बिल्कुल कोई भी रन नहीं आया इस गेंद के ऊपर। डॉट के साथ अब स्कोर 171 पे 4। श्रीलंका की टीम 98 पे 6 आउट है, 16 ओवर्स का खेल हो चुका है पूरा। एंड आई एम गोइंग टू चेंज दैट स्कोर कार्ड प्रीटी सून, अभी जो है वो हम स्कोर कार्ड चेंज कर देंगे उस मुकाबले का। जैसे ही ये इंडिया की टीम जीतेगी इस मुकाबले को, फौरी तौर पर वो स्कोर कार्ड चेंज हो जाएगा गाइस। 171 पे 4 आउट, रिंकू ने 8 बनाए हुए 8 गेंदों का किया सामने। दुबे ने 63 बना रखे हैं यहाँ पर। उल्टॉस बनाकर इस गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेला, एक रन को पूरा किया। भाई कब जीतोगे, जीत जाओ भाई इंडिया की टीम, क्या हो गया, इतना टाइम क्यों ले रहे जो। तो दूसरी तरफ एक और चौका लगा दिया इस बार दासुन शान का ने। तो दोस्तों लो जी स्कोर बोर्ड जो है वो चेंज होने लगा है। अभी मैच जीतने वाली है टीम इंडिया। स्कोर्स आर लेवल नाउ। स्कोर्स आर गेटिंग लेवल नाउ। और यहाँ पर इंडिया की टीम, और लो जी एक और डॉट बॉल हो गई है भाई। क्या चाहिए क्या भाई, जीत जाओ यार, क्यों परले कर रहे हो भाई, जीत जाओ इंडिया की टीम भाई, अभी तो जीत ही जाना चाहिए। एक और डॉट हो गई है जी, 41 रन 22 गेंदें चाहिए टीम, 22 गेंदों के ऊपर 41 रन चाहिए टीम श्रीलंका को मुकाबला जीतने के लिए। दैट्स द सिचुएशन ऑफ दैट मैच। शिवम दुबे 63 के स्कोर पर 31 गेंदों का किया उन्होंने सामना। रिंकू ने 9 बनाए हुए 9 गेंदों का करते हुए सामना। यहाँ पर अब स्कोर्स लेवल हैं और देखते हैं कि बनता है क्या। यहाँ पर अब बॉलर हैं एक बार फिर से तैयार। दुबे के लिए रहेगी इस ओवर के लिए गेंद। इस गेंद के बाद उम्मीद है कि हम दूसरे मैच की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। और फाइनली सिंगल आ गया है और इंडिया की टीम ने जीत लिया है इस मुकाबले को। मैनी कंग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, जीत के लिए बहुत बहुत हो मुबारकबाद। और यहाँ पर अब देखते हैं कि श्रीलंकन टीम जो है वो मुकाबले को जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। स्कोर कार्ड रिफ्रेश हो चुका है और श्रीलंका की टीम जो है वो अब हमें
दिखाई दे रही है। 21 गेंदों के ऊपर चाहिए 40 रन टीम श्रीलंका को मैच जीतने के लिए। देखते हैं कि वो इस मुकाबले को जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, ये अब देखना होगा दोस्तों। यहां पर के बनता है क्या आपके ख्याल से, क्या श्रीलंका जीतेगी या फिर जिम्बाब्वे की टीम जीतेगी? जिम्बाब्वे की टीम ने काफ़ी अच्छी एफर्ट की है, लेकिन इसके बावजूद वो अब अगर विकेट ना ले पाए तो उनके लिए जीत पाना काफ़ी मुश्किल काम होने वाला है। रिचर्ड नागरावा जो है वो बॉलिंग को कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों श्रीलंका और जिम्बाब्वे का फ्लैग और स्कोर इंडिया का अभी देखिए अब ठीक हो गया है क्या। ओ दोस्तों स्ट्राइकर एंड पे मौजूद है अब दासुन शान का, जिन्होंने इस ओवर की अगली गेंद को पुल कर दिया है मिड विकेट के एरिया में चार रनों के लिए। बहुत ही उम्दा ये शॉट, लेग साइड में इस गेंद को पुल किया और पुल करते हुए दे मारा है एक लाजवाब चौका। ब्यूटिफुल हिट दिस बाय दासुन शान का। 20 गेंदें 36 रन की जरूरत है अब टीम श्रीलंका को मुकाबला जीतने के लिए। अब देखते हैं कि वो इस मुकाबले को जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, अब देखना होगा। बहुत ही उम्दा पुल शॉट और इस पुल शॉट के चलते हुए मिला है ये चौका रिचर्ड नागरावा। अब चौका खा गए हैं जिसकी वजह से अब 20 गेंदें 36 रन की जरूरत है। देखते हैं कि सिचुएशन अब क्या रहने वाली है। ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर दासुन शान का जो कि कप्तान है। इस गेंद को जो कि ऑन पैड्स बल्लेबाज ने मिड विकेट के एरिया में खेला और रनआउट का चांस भी बन सकता था, लेकिन एक रन को बआसानी पूरा किया। सिंगल के इजाफे के साथ अब स्कोर है 109-6 के नुकसान पे। 16 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। मिड विकेट के एरिया में इस गेंद को खेला था, मिड विकेट की पोजिशन पर फील्डर मौजूद थे जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। 109 फॉर द लास्ट ऑफ 6 विकेट, 16 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। मैथ्यूज ने 30 बनाए हुए 29 गेंदों का किया हुआ सामना। दासुन शान का ने 15 बनाए हुए 10 गेंदों का कर रखा है सामना। ये मुकाबला अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर अब रिचर्ड नागरावा जो है वो बॉलिंग के सिलसिले को रखेंगे कंटिन्यू। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आए गेंद क्या, इस गेंद को कवर्स के एरिया में खेल दिया। एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर पीछे हैं फील्डर जब तक उन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए वापस थ्रो किया है। एक रन का इजाफा 110 पे 6 आउट। 17 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा, 3 ओवर्स का खेल अभी होना है बाकी। 18 गेंदें 34 रन की है जरूरत अब और यहाँ पर अब कह लीजिए कि मैथ्यूज़ ने 31 बनाए हुए हैं और 30 गेंदों का किया हुआ है उन्होंने सामना। एक अच्छा ज़बरदस्त मुकाबला जो कि है जारी और सारी। शानका ने 15 बना रखे हैं, 10 गेंदों का किया है सामना। एंजलो मैथ्यूज़ ने 31 बनाए हुए हैं और उन्होंने 30 गेंदों का कर रखा है सामना। और आखिरी के 3 ओवर्स के अंदर चाहिए अब 34 रन टीम श्रीलंका को ये मुकाबला जीतने के लिए। और देखते हैं कि वो अब इस मुकाबले को जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। दासुन शान का 15 के स्कोर पर, मैथ्यूज़ 31 के स्कोर पर अब मौजूद हैं। ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर हैं अब तैयार। रिचर्ड नागरावा ने 3 ओवर्स के अंदर जो है वो रन्स दे रखे हैं। अब विलियम्स आज के हैं दोस्तों बॉलिंग के लिए। देखते हैं कि कैसी बॉलिंग की जाती है विलियम्स की तरफ से। विलियम्स जो है वो बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। इंडिया की टीम ने अपना मुकाबला जीत लिया है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर दी मैच ऑफ टीम श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे। यहां पर अब श्रीलंकन टीम जो है वो श्रीलंका की जो टीम है वो यहां पर अब हमें एक बेहतर पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रही है आहिस्ता आहिस्ता। दे आर गेटिंग इन अ गुड पोजीशन एट दिस मोमेंट टीम श्रीलंका यू कैन से। एंजेलो मैथ्यूज़ जो है वो अब अपनी टीम के हीरो बन सकते हैं आज के इस मुकाबले को अपनी टीम को जितवाने के बाद। खैर अब देखते हैं कि ऐसा हो पाएगा या नहीं, वी हैव टू वेट एंड सी। यहां पर अब लुक जोंगवे जो हैं वो दोस्तों बॉलिंग को कंटिन्यू रखते हुए 110 है स्कोर 6 के नुकसान पे। 17 का खेल अब हो चुका है पूरा। 18 गेंदें हैं 34 रन की जरूरत है टीम जिम्बाब्वे को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए। यहां पर अब दासुन शान का नॉन स्ट्राइकर एंड की पोजीशन पर मौजूद है जबकि स्ट्राइकर एंड की पोजीशन पर मौजूद है यहां पर रब एंजेलो मैथ्यूज जिन्होंने इस गेंद को लैप स्वीप करते हुए खेल दिया है फाइन लेग एरिया में 4 रन के लिए। 17 गेंदें 30 रन की है अब जरूरत। फाइन लेग एरिया में इस गेंद को खेला और फाइन लेग एरिया में इस गेंद को खेलते हुए दे मारा है ये चौका, इंपॉर्टेंट चौका लगते हुए अब टीम श्रीलंका के लिए।
स्वीप शॉट के बदले में मिला है ये चौका और इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 114/6। जीत के लिए अब कुछ ही रन की आवश्यकता जरूरत। सत्रह गेंदें 30 रन की है अब जरूरत। यहाँ पर बॉलर हैं एक बार फिर से तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए आए। गेंद किया यॉर्कर लेंथ गेंद इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन केरियर में एक रन का इजाफा हुआ। सिंगल के इजाफे के साथ दूसरे के लिए भी वापस आना चाहते थे लेकिन सिंगल ही आया है इस गेंद के ऊपर। एक 115/6 आउट 17 ओवर और 2 गेंदों के बाद। एक 115/6 आउट 17 ओवर और 2 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। यहां पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से आए। गेंद किया ये गेंद जो कि स्लो रन गेंद थी इस गेंद को पुल करने की कोशिश में थे ये बैटर लेकिन नाकाम रहे। गेंद बल्ले के किनारे को मिस करते हुए गई है। विकेट कीपर के पास 115/6 आउट 17 ओवर और 3 गेंदों का खेल जो कि हो चुका है पूरा। तो दोस्तों मुकाबला अपने इख्तितामी की तरफ बढ़ते हुए ओवर की है अगली गेंद यॉर्कर लेंथ गेंद इस गेंद को रूम बनाते हुए खेल दिया है कवर्स के एरिया में। पीछे है फील्डर एक रन का फिर से इजाफा। एक्स्ट्रा कवर के एरिया में इस गेंद को खेला और यहां पर एक ही रन आया है। 28 रन की जरूरत है अब जीतने के लिए इस मुकाबले को। सिर्फ और सिर्फ 28 रन की जरूरत और काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला जो कि चल रहा है अब इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला चलते हुए ये टीम श्रीलंका को जो है वो अब बाउंड्री की ज़रूरत इस ओवर के अंदर एक बाउंड्री की ज़रूरत है टीम श्रीलंका को और देखते हैं कि बाउंड्री अब उनके लिए मिल पाए उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। दे नीड अ बाउंड्री इन दिस ओवर। ओवर की अगली गेंद करवाते करवाते रुक गए। रीलोड करना पड़ेगा दोबारा से करवाना पड़ेगा अब अपनी गेंद को। लुक जोंगवे की जो गेंद थी वो अब रीलोड करेंगे दोबारा से करवाएंगे। एक अच्छा मुकाबला एक ज़बरदस्त किस्म का ये मैच जो कि अभी जारी है एक अच्छा एंड जो है वो इस मुकाबले का हमें देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों ही टीम्स के दरमियान सामना करेंगे गेंद का एंजेलो मैथ्यूज़ जो कि अब 36 के स्कोर पे 32 गेंदों का किया हुआ है इन्होंने सामना। ओवर की है अगली गेंद इस गेंद को लेग साइड में खेलने की कोशिश बल्ले का किनारा लगा और ये गेंद पॉइंट के एरिया में गई एक रन का इजाफा। खेलना लेग साइड में चाहते थे लेकिन ये गेंद ऑफ साइड में गई है तो यहां पर अब आउट होते होते बच गए हैं प्लेयर। टीम श्रीलंका को अब चाहिए जो रन 27 है। आखिरी गेंद है अभी इस ओवर की कप्तान दासन निशान का जो कि अब स्ट्राइकर एंड पे है मौजूद। ओवर की अगली गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के एरिया में खेला है एक रन का ही इजाफा हो पाएगा। सिकंदर अदा बट की बेहतरीन फील्डिंग सिंगल के इजाफे के साथ 118/6 एक बड़ा मोमेंट रहने वाला है ये टीम श्रीलंका के लिए इस मुकाबले टीम जिम्बाब्वे के लिए अगर वो इस मैच को जीते हैं। दो ओवर्स के अंदर 26 रन चाहिए होंगे टीम श्रीलंका को अब यह मैच जीतने के लिए। देखते हैं कि वो अब इस मुकाबले को जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे अब देखना होगा। एक इंटरेस्टिंग मुकाबला चलते हुए इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। वाह 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 क्या बात है स्कोर 118/6 के नुकसान पे 18 ओवर्स का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। दो ओवर 26 रन की जरूरत है टीम श्रीलंका को यह मुकाबला जीतने के लिए। क्या ही मैच खेला जा रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग। जिम्बाब्वे की टीम की तारीफ करनी होगी जिस खूबसूरत अंदाज से वो एफर्ट कर रहे हैं। रिचर्ड नागरावा ने 3 ओवर्स के अंदर 22 रन देकर एक विकेट ले रखी है जो कि अब बॉलिंग को कंटिन्यू रखेंगे। 13 रन पर ओवर चाहिए होंगे टीम श्रीलंका को ये मैच जीतने के लिए। 13 रन की अब ज़रूरत है टीम श्रीलंका को मुकाबला जीतने के लिए। याद रहे अगला मुकाबला 16 तारीख को खेला जाएगा इन दोनों ही टीम्स के दरमियान जो कि हम आपके साथ लेकर आएंगे इसी सेम चैनल के ऊपर 118/6 18 के बाद। 12 गेंदें 26 रन की जरूरत। रिचर्ड नागरावा आ चुके हैं बॉलिंग के लिए अपने ओवर की पहली गेंद लेकर वो दौड़ते हुए आए। गेंद किया पहला ही गेंद और वाइड बॉल ऑफ स्टंप के बहुत बाहर की यह गेंद और वाइड बॉल का सिग्नल दिया गया है अब अंपायर की तरफ से। वाइड बॉल के चलते हुए अब स्कोर है 119/6 के नुकसान पे 18 ओवर्स का खेल हो चुका है पूरा।
एक अच्छा इंटरेस्टिंग मुकाबला जो कि खेलते हुए ये दोनों ही टीम्स अब यहाँ पर 119 स्कोर 6 के नुकसान पे 18 ओवर्स का खेल हो चुका है पूरा। और दो ओवर्स के खेल में अब चाहिए 25 रन टीम श्रीलंका को, 12.5 रन पर ओवर। कप्तान दास निशान का जिनके लिए इस ओवर खेल के गेंद स्किन को पुल करना चाहते थे वो बल्ले के स्लाइस से टकराते हुए ये गेंद मिड ऑफ के एरिया में मौजूद फील्डर के पास गई है। एक रन का इजाफा हुआ, सिंगल के इजाफे के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर 120 पे 6 आउट 18 ओवर्स और ये गेंद के बाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर दीजिएगा आप सभी दोस्त। 836,600 होने वाले हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 12 और सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। अगर नए दोस्त हैं तो जल्दी से आप ये काम भी कर दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 37 रन एंजेलो मैथ्यूज के हैं, 33 गेंदों का किया हुआ है सामना। दासन शानका ने 18 बनाए हुए 14 गेंदों का किया हुआ है सामना यहाँ पर। अब एंजेलो मैथ्यूज के लिए गेंद जिसे उन्होंने मिड विकेट के एरिया में खेला है लेकिन आया है सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही। सिंगल के इजाफे के साथ 121 पे 6 टीम श्रीलंका 18 ओवर्स और 2 गेंदों के बाद। 10 गेंदें हैं और 23 रन चाहिए टीम श्रीलंका को ये मैच जीतने के लिए। क्या ही मैच खेला जा रहा है ये टीम्स के दरमियान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कब है तो भाई वो मुकाबला 17 तारीख को सुबह 5 बजे खेला जाएगा, सुबह के वक्त 5 बजे वो मैच होने वाला है। 10 गेंदें 23 रन की जरूरत दासु निशान का है। अब स्ट्राइकर एंड पे मौजूद, ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ ये गेंद और बल्ले का किनारा मिस करते हुए गेंद विकेट कीपर के पास गई, एक और डॉट। 9 गेंदें 23 रन की जरूरत, क्या ही मुकाबला खेला जा रहा है ये इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। परफेक्ट यॉर्कर था ये और बल्ले के किनारे को मिस करते हुए, स्टंप्स को मिस करते हुए ये गेंद विकेट कीपर के पास गई है। 121 पे 6 आउट 18 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। 9 गेंदों का खेल अभी बाकी है, 9 गेंदें 23 रन और रिचर्ड नागरावा जो है वो परफेक्ट बॉलिंग करते हुए लगातार विकेट विकेट बॉलिंग करते हुए। 73 लाइक्स भी कर दिए हुए हैं आप सभी ने वीडियो के ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करने के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लॉन्ग ऑन के फील्डर को बाउंड्री लाइन पर रखा गया है। मिड विकेट लॉन्ग ऑफ का फील्डर जो है वो दोस्तों इस वक्त सर्कल के अंदर मौजूद है। ओवर के लिए गेंद दासन शानका के लिए जिन्होंने इस गेंद को खेल दिया है कवर पॉइंट के रीजन में, पीछे फील्डर थे लेकिन वो इस गेंद को रोकने में नाकाम और ये गेंद बाउंड्री के पार एक इंपॉर्टेंट चौके के लिए। 125 पे 6 आउट टीम श्रीलंका 18 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद। मच नीडेड बाउंड्री फॉर टीम श्रीलंका दिस, 8 गेंदें 19 रन की जरूरत है अब टीम श्रीलंका को यह मैच जीतने के लिए। बहुत ही बढ़िया मैच चलते हुए इन दोनों ही टीम्स के दरमियान, चौका लगाया है और इस चौके की मदद से अब स्कोर हो चुका है 125 पे 6। नूर अली खान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने इन बेहतरीन कमेंट्स के लिए। और रिचर्ड नागरावा 3 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद 29 रन देकर एक विकेट को हासिल कर चुके हैं। 8 गेंदें और 19 रन की जरूरत है अब यहां पर। बॉलर गेंद करवाते करवाते रुक गए, रीलोड करना पड़ेगा और अब उनको इस गेंद को दोबारा करवाना पड़ेगा। दासु निशान का अब ललचाई नजरों के साथ देखते हुए इस गेंदबाज को और गेंद को, और मैच फिनिशर हैं दोस्तों दासु निशान का, देखते हैं कि वो अब इस मुकाबले को अच्छे तरीके से फिनिश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रिचर्ड नागरावा ने अब तक अच्छी बॉलिंग की है, 3 ओवर्स और 4 गेंदों के ऊपर 29 रन से एक विकेट ली, लेकिन इस मैच के हीरो की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो सिकंदर रजा भट्ट, 3 विकेट ले गए वो और साथ में उन्होंने 50 के ऊपर रन भी स्कोर किए। ओवर खेली गेंद लेकर रिचर्ड नागरावा दौड़ते हुए आए, गेंद किया इस गेंद को पुल करने की कोशिश, लेकिन ये शॉर्ट पिच गेंद देखा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के पास। वाइड बॉल की मांग और वाइड बॉल दे दी गई है अंपायर की तरफ से, वाइड बॉल जो है वो दोस्तों दे दी गई है और रिव्यू ले लिया है सिकंदर रजा भट्ट ने, रिव्यू लिया है शायद वाइड को चेक करने का कि ये गेंद जो है वो वाइड है या नहीं। अंपायर इस चीज को चेक करेंगे और जो है वो बताएंगे। स्कोर 126 6 के नुकसान पे 18 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद। डेस्परेशन में थोड़ा रिव्यू लिया है टीम श्रीलंका ने ये और जिम्बाब्वे ने ये, और देखते हैं कि अब उनको इस चीज़ का कोई फायदा होता है या नहीं होता। मैच की पेस को थोड़ा स्लो डाउन किया है उन्होंने और यहाँ पर ये भी एक टैक्टिक्स होता है। 126 पे 6 आउट 18 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद। 8 गेंदें हैं 18 रन की जरूरत है। रिचर्ड नागरावा की ये गेंद, बैटर ने पीछे हटते हुए इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी लेकिन वो इस गेंद को खेलने में नाकाम रहे, गेंद विकेट कीपर के पास गई और
यहाँ पर अब वाइड बॉल दे दी गई अंपायर की तरफ से, इस चीज़ को जो है अब देखा जाएगा कि ये गेंद वाकई में वाइड है या नहीं है। 126 पे 6 18 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद, और यहाँ पर अंपायर के साथ बातचीत करते हुए जिम्बाब्वे के ये प्लेयर्स, और नॉट आउट का सिग्नल दिया गया है। वाइड बॉल तो हो ही जाएगी ये, और वाइड बॉल के चलते हुए 126 पे 6 आउट हैं। 18 रन की ज़रूरत है टीम श्रीलंका को 8 गेंदों के ऊपर ये मुकाबला जीतने के लिए। 126 पे 6 रिचर्ड नागरावा, जिनकी तारीफ कर रहा था मैं, और अब देखते हैं कि वो काबिले तारीफ इख्तितामी भी कर पाएंगे अपनी टीम के लिए या फिर नहीं। 126 पे 6 आउट, 18 ओवर और 4 गेंदों के बाद यहां पर ओवर के लिए गेंद लेकर रिचर्ड नागरावा दौड़ते हुए आए। गेंद किया ये गेंद जो कि यॉर्कर लेन गेंद थी, बेहतरीन गेंद, और कोई भी रन नहीं आया इस गेंद के ऊपर। क्या ही यॉर्कर था ये, और इस चीज़ को समझना होगा रिचर्ड नागरावा को कि वो जब गेंद को विकेट विकेट करेंगे, यॉर्कर करेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। और यहाँ पर रिचर्ड नागरावा जो है वो एक डॉट करते हुए, इम्पॉर्टेंट डॉट डिलीवरी करते हुए यहाँ पर अब डॉट के साथ 7 गेंदें, 18 रन की ज़रूरत है। क्या ही मैच हो रहा है, और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 837,000 का टारगेट, लेकिन 836,600 के ऊपर कर दिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए यहां पर रब दासन शान का 22 पे 17 गेंदों का किया हुआ सामना, इस गेंद को लैप स्वीप कर दिया है। वन बाउंस टू बाउंस ओवर द फेंस, दो टप्पे लगते हुए गेम 4 रन के लिए बाउंड्री के पार, और इस चौके की मदद से अब चाहिए आखिरी ओवर के अंदर 14 रन। ओवर के अंदर आए कुल मिलाकर 12 रन, और आखिरी ओवर होगा, आखिरी ओवर के अंदर 14 रन की जरूरत है अब टीम जिम्बाब्वे को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए। यार देखते हैं कि वो इस मुकाबले को, बल्कि यहां पर श्रीलंका की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए, खैर अब देखते हैं कि वो इस मुकाबले को जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला जो कि है जारी। 130 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 19 ओवर्स का खेल भोज का है पूरा। 6 गेंदें 14 रन की है अब जरूरत। जिम्बाब्वे की टीम ने अच्छी बैटिंग एफर्ट की, यहां पर कह लीजिए कि अब देखते हैं कि बनता है क्या। 38 के स्कोर पे मैथ्यूज हैं, 34 गेंदों का किया हुआ है सामना, दासन शान का 26 के स्कोर पर। पे 6 आउट, 19 ओवर्स का खेल हो चुका है पूरा। 6 गेंदें 14 रन की अब जरूरत है। आखिरी एक ओवर है, और आखिरी ओवर फेंकने के लिए आ जाएंगे ब्लेसिंग मुजरबानी। बहुत ही शानदार ये बॉलर है ब्लेसिंग मुजरबानी, 3 ओवर्स के अंदर 19 रन देकर 1 विकेट ले रखी है ब्लेसिंग मुजरबानी ने, और देखते हैं कि वो अपनी टीम के लिए अब ब्लेसिंग बनते हैं या फिर नहीं बनते, यानी कि वो अपनी टीम के लिए नेमत बनते हैं या फिर जहमत बनते हैं। तो 130 है टीम श्रीलंका 6 के नुकसान पे, आखिरी ओवर की पहली गेंद लेकर ब्लेसिंग मुजरबानी है तैयार। अच्छे ये बॉलर हैं, और इनके लिए लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग, इसके अलावा लॉन्ग ऑफ और कवर का फील्डर बाउंड्री लाइन पे अब मौजूद है ब्लेसिंग मुजरबानी। मिड ऑफ का फील्डर सर्कल के अंदर आ गया है, और फाइन लेग का फील्डर पीछे चला गया है ब्लेसिंग मुजरबानी, जिनके ओवर की ये पहली गेंद, और पहली गेंद को उठा दिया है डाउन द ग्राउंड 4 रन के लिए। एक टप्पा खाया इस गेंद ने, और ये गेंद बाउंड्री को कर गई है क्रॉस। 5 गेंदें 10 रन की जरूरत है अब टीम श्रीलंका को यह मुकाबला जीतने के लिए। क्या ही शॉट लगाया है ये एंजेलो मैथ्यूज ने, हल्का सा रूम बनाया और इस गेंद को रूम बनाते हुए खेल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से एक बेहतरीन लाजवाब चौके के लिए। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते आप सभी दोस्त, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए आप, क्योंकि अगले आने वाले टाइम के अंदर, अगले आने वाले दिनों में आपके लिए हम यूं ही लाइव स्ट्रीम्स का सिलसिला लेकर आने वाले हैं। एक बार फिर से ब्लेसिंग की अगेन, दिस गेंद को गाइड कर दिया है थर्ड मैन के एरिया में, एक और चौके के लिए जगह बनाई, और जगह बनाकर जो है वो इस गेंद को गाइड किया थर्ड मैन के एरिया में 4 रन के लिए चौके की मदद से। अब 130 पे 6 आउट, 19 ओवर और 2 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। सिकंदर रजा भट्ट के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी परेशानी जो कि अब आया है। 138 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 19 ओवर और 2 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। इस गेंद को लेट कट किया, बल्ले का मुंह खोला, और थर्ड मैन के एरिया में खेलते हुए दे मारा है ये चौका। चौके की मदद से 130 पे 6 आउट, 19 ओवर और 2 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। यहां पर
अब स्ट्राइक पे मौजूद हैं एंजेलो मैथ्यूज। चार गेंदों के ऊपर 6 रन की जरूरत है। एंजेलो मैथ्यूज इस गेंद को कट करना चाहते थे, बल्ले के किनारे को मिस करते हुए गेंद विकेट कीपर के पास गई है। डॉट के साथ 138 पे 6 आउट। लेट कट करना चाहते थे इस गेंद को, और एक और ट्विस्ट जो है वो दोस्तों अब हमें देखने को मिल रहा है। अनदर ट्विस्ट इन द टेल। 3 गेंदें 6 रन की जरूरत। टीम श्रीलंका को बाउंड्रीज की जरूरत है। टीम जो है वो जिम्बाब्वे को डॉट डिलीवरीज की जरूरत है। 3 गेंदें हुई हैं, 8 रन बने हैं, और अगली 3 गेंदों के ऊपर 6 रन चाहिए टीम श्रीलंका को ये मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी, क्या सुपर ओवर लगेगा या नहीं लगेगा, यस एंड नो की सूरत में देना है आप सभी ने हमें बता के क्या यहाँ पर अब सुपर ओवर लगने वाला है या नहीं लगने वाला। अपनी राय का इजहार करिए और हमें लाजमी तौर पर बताइएगा आप सभी दोस्त जितने भी जहाँ कहीं से हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या आपके ख्याल से सुपर ओवर लगने वाला है या नहीं लगने वाला। ओवर खेली गेंद लेकर बॉलर हैं एक बार फिर से तैयार। दौड़ते हुए आए गेंद के, इस गेंद को हवा में खेल दिया मिड विकेट के एरिया में, फील्डर गेंद के नीचे और विकेट को लूज करते हुए टीम श्रीलंका। 2 गेंदें 6 रन की जरूरत है। अब बड़ी ही अहम विकेट ले ली है यहां पर अब ब्लेसिंग मुजरबानी ने। तीसरी अपनी दूसरी विकेट हासिल करते हुए ब्लेसिंग मुजरबानी मिड विकेट के एरिया में इस गेंद को खेला। गेंद हवा में रही और गेंद हवा में रहते हुए सीधा फील्डर के हाथों में गई जो कि पीछे मौजूद थे। उन्होंने इस गेंद को कैच किया और इस तरह टीम श्रीलंका ने लूज कर दिया है अपनी विकेट नंबर 7 को। और मसले वाली बात यह भी रहेगी कि अब नए आने वाले प्लेयर एक प्रॉपर बैटर भी नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, वो इतने कोई प्रॉपर बैटर भी नहीं होने वाले। 2 गेंदें 6 रन की जरूरत है। क्या सुपर ओवर लगेगा या नहीं लगेगा, इस सवाल से देना है आप सभी ने हमें बताया। अपनी राय का इजहार करते हुए कि आपके ख्याल से क्या यहां पर अब सुपर ओवर लगने वाला है या नहीं। एंजेलो मैथ्यूज ने 46 रन की इनिंग्स खेली, एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन अब वो आउट हो गए हैं। 2 गेंदें 6 रन की जरूरत। बराबर हो जाए तो सुपर ओवर लगता है, और बराबरी करने के लिए इस गेंद के ऊपर सिंगल चाहिए होगी, अगली गेंद के ऊपर बाउंड्री चाहिए होगी। तो देखते हैं कि बनता है अब क्या। 130 पे 7 आउट। 19 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। यहां पर अब सुपर ओवर की मांग की जा रही है क्रिकेट फैंस की तरफ से। तो देखते हैं कि बनता है क्या। चमीरा अब स्ट्राइकर एंड पे मौजूद हैं जो के सामना करेंगे गेंदबाजी का। चमीरा इस बॉल पे आउट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि बनता है क्या। जुबेर लोन दुष्मंता चमीरा 53 मैचेस के अंदर 95 रन बनाए उन्होंने, और यहाँ पर अब सिंगल के लिए तो दौड़ ही जाएंगे। अगर ये बीट भी हो जाते हैं तो सिंगल के लिए लाजमी दौड़ जाएंगे ये, ताकि यहाँ पर अब दासु निशान का रनआउट के बाद भी स्ट्राइक पर आ जाएँ। तो अब ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर दुष्मंता चमीरा ने इस गेंद को लेग साइड में खेल दिया है, टॉप एज हुए हैं ये प्लेयर। गेंद हवा में और गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से उठते हुए गई है 4 रन के लिए। लेंथ डिलीवरी कर दी थी यहां पर जो कि गलती थी एक तरह से, और अब मुझे लग रहा है कि सुपर ओवर लग सकता है। सुपर ओवर की उम्मीदें जाग चुकी हैं। 2 गेंदें, 1 गेंद और 2 रन की जरूरत है इस गेंद को पुल करने के लिए। गए टॉप एज हुए, गेंद हवा में रही और गेंद हवा में रहते हुए विकेट कीपर के सर के ऊपर से उठते हुए गई है 4 रन के लिए। So it's time for this super overs. लग यू रहा है मुझे। एक गेंद 2 रन की जरूरत है टीम जिम्बाब्वे की तरफ से। ब्लेसिंग मुजरबानी जो कि अब हैं तैयार, दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद किया, इस गेंद को खेल दिया है लेग साइड में मिड विकेट के एरिया में। गेंद हवा में और यह गेंद फील्डर की पहुंच से दूर, 1 रन का इजाफा, दूसरे के लिए भी वापिस, और इस तरह दुष्मंता चमीरा ने अपनी टीम को जितवा दिया है ये मुकाबला। दुष्मंता चमीरा अपनी टीम को जितवाते हुए दोस्तों ये मुकाबला। यहाँ पर उन्होंने इस गेंद को जो है वो लेग साइड में उठाया और मिड विकेट के एरिया में खेलते हुए 2 रन को पूरा किया। आखिरी गेंद के ऊपर स्कोर को चेज कर लिया है टीम श्रीलंका ने। मैनी कंग्रेचुलेशन टू टीम श्रीलंका। यहाँ पर अब स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 144 पे 7 और टीम श्रीलंका जो है वो दोस्तों अब इस मुकाबले को जीत गई है आखिरी गेंद के ऊपर जाकर। तो मुबारक हो टीम श्रीलंका को और उनके फैंस को बहुत बहुत।
श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये पहला T20 मुकाबला, और क्या ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को आखिरी गेंद के ऊपर जाकर जीता है। बहुत ही उम्दा एफर्ट देखने को मिली इन दोनों ही टीम्स की तरफ से। यहाँ पर आखिरी ओवर के अंदर 14 रन बचाने थे ब्लेसिंग मुजरबानी को, लेकिन वो इन रन को नहीं बचा पाए और आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन खा गए, जिसकी वजह से टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को अब 3 विकेट्स के मार्जिन से जीत लिया है और सीरीज के अंदर अब ये टीम 1-0 अप चली गई है। तो कंग्रेचुलेशन टीम श्रीलंका को, हमारी तरफ से मुबारकबाद हो टीम श्रीलंका को, जिन्होंने ये मुकाबला जीता और सीरीज के अंदर 1-0 की बढ़तरी को किया है अब अपने नाम। एक अच्छा एक्साइटिंग मैच जो है वो इन दोनों ही टीम्स के दरमियान देखने को मिला। यहाँ पर इस मुकाबले की बात की जाए तो जिम्बाब्वे की बैटिंग आई और जिम्बाब्वे की टीम की बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस रही, लेकिन कप्तान सिकंदर रदा बट ने अपनी टीम को जो है वो इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दोस्तों क्रिकेट खेली गई उनकी तरफ से, और बॉलिंग हो जाए बैटिंग हो जाए उन्होंने दोनों ही तरह से जो है वो अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बनाकर जो है वो रखने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के उनकी टीम जो है वो उनका बिल्कुल भी साथ दे नहीं पाई। और यहाँ पर हुआ कुछ यूं के फाइनल बॉल के ऊपर जो है वो दुष्मंता चमीरा ने 2 रन लिए और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को जितवाया। टीम जिम्बाब्वे की तरफ से 26 रन ओपनर ने बनाए, कामू ने बनाए, और इसके बाद क्रेग इरविन ने 10 रन बनाए, 16 गेंदों का किया सामना उन्होंने। शॉन विलियम्स ने 20 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए, तो काफ़ी स्लो शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद सिकंदर रदाबट ने 42 गेंदों के ऊपर 62 रन की उमदा इनिंग्स खेली। रियान बर ने 5 रन बनाए, 9 गेंदों का किया उन्होंने सामना, और ब्रायन ने 10 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। लुक जोंगवे ने 13 रन बनाए 8 गेंदों का सामना करते हुए, तो अच्छी इख्तितामी देखने को मिली टीम जिम्बाब्वे की तरफ से। 3 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 143 रन बनाने में ये टीम कामयाब हुई। 37 पर पहली विकेट गिरी 31 गेंदों के ऊपर जाकर, दूसरी विकेट 38 के स्कोर पर गिरी 36 गेंदों के ऊपर, 38 रन 2 विकेट आउट थी। तीसरी विकेट 83 के स्कोर पर 14वें ओवर के अंदर जाकर गिरी, 79 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम जो है वो जिम्बाब्वे का स्कोर। जिसके बाद 103 पर गिरी चौथी विकेट 16वें ओवर के अंदर, यहां पर 95 गेंदें और चौथी विकेट जाकर गिरी। 5वें विकेट 129 के स्कोर पर 19वें ओवर के अंदर जाकर गिरी इस टीम की। बॉलिंग की बात की जाए तो एंजेलो मैथ्यूज ने 2 ओवर के अंदर 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए वो। निशांत तुषारा ने 4 ओवर्स के अंदर 43 रन दिए, बहुत महंगे रहे वो। महेश दीक्षांत ने 4 ओवर्स के अंदर 16 रन दिए, 2 विकेट ली, 1 विकेट ली। चमीरा ने 38 रन देकर 2 विकेट ली। वनिंदो हसारंगा ने 19 रन देकर, जबकि दासुन शानका ने 2 ओवर्स के अंदर 13 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं ले पाए वो। श्रीलंकन बैटिंग की अगर बात की जाए तो टीम श्रीलंका की तरफ से जब बैटिंग की शुरुआत हुई तो बहुत ही ख़राब शुरुआत उनकी भी हुई। 2 रन बनाए बाथुम निशानका ने और कुशाल मेंडिस ने 17 रन बनाए, 15 गेंदों का किया उन्होंने सामना। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर कुशाल परेरा ने जो है वो बनाए 17 रन, 13 गेंदों का सामना किया। सरीरा समराविक्रमा ने 9 रन बनाए, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 1 चौका उन्होंने लगाया, जबकि चारिथा असलंका ने 16 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया। और इस स्टेज में ऐसा लग रहा था वनिंदो हसरंगा भी 0 के स्कोर पर आउट हुए और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका जो है वो इस मैच को लूज़ कर जाएगी, लेकिन उसके बाद दासुन शानका और एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। एंजेलो मैथ्यूज़ ने 38 गेंदों के ऊपर 46 रन बनाए, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। आखिरी ओवर के अंदर 2 चौके लगाए एंजेलो मैथ्यूज़ ने, पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया, दूसरी गेंद के ऊपर चौका लगाया और उसके बाद वो आउट हुए दोस्तों, लेकिन अपनी टीम को मैच के अंदर इन कर गए। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर दासुन शानका जो है वो 26 रन बनाने में कामयाब हुए, 18 गेंदों का सामना किया, 4 चौके उन्होंने लगाए और 144 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला उन्होंने। जबकि दुष्मंता चमीरा ने आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो एक बाउंड्री लगाई और उन्होंने 1 डबल हासिल किया। जी हाँ, बहुत ही उम्दा जो है वो उन्होंने बैटिंग की दुष्मंता चमीरा ने। जी बिल्कुल दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज़ के आउट होने की देर थी कि दुष्मंता चमीरा ने जो है वो अगली ही गेंद को 4 रन के लिए खेला, पुल किया उन्होंने, टॉप एज हुए, गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से होते हुए गई 4 रन के लिए। जिसके बाद दुष्मंता चमीरा ने अगली गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेला, फील्डर हालांकि पीछे ज़रूर थे लेकिन वो गेंद की पहुंच से दूर थे, 2 रन लिए गए और इस तरह टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीता। 5 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 1 लेग बाय और 4 वाइड के रन शामिल थे। पहली विकेट की बात की जाए तो वो 2 के स्कोर पर जाकर गिरी जब बाथुन निशान का आउट हुए पहले ओवर के अंदर।
दूसरी विकेट 32 के स्कोर पर जाकर गिरी, जब कुशाल परेरा आउट हुए पांचवें ओवर के अंदर जाकर। तीसरी विकेट 38 के स्कोर पर कुशाल मेंडिस छठे ओवर के अंदर आउट हुए। चौथी विकेट 51 के स्कोर पर सदीरा समरा विक्रमा आठवें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, जिसके बाद पांचवें विकेट 83 के स्कोर पर जाकर गिरी, जब चारिथा स्लान का आउट हुए और वो 14वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। जबकि छठी विकेट भी 83 के ही स्कोर पर गिरी, जब वनिंदो हसारंगा 14 ओवर्स के अंदर 84 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम श्रीलंका के और उनकी 6 विकेटें गिर गई थी और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका इस मैच को हार जाएगी। लेकिन उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ जो दासुन शानका है उनके दरमियान एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली और एंजेलो मैथ्यूज़ 20वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, अपना काम कर गए। 130 के स्कोर पर जाकर 7वीं विकेट गिरी टीम में श्रीलंका की और इस तरह वो आउट हुए। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो रिचर्ड नागरावन ने 4 ओवर्स के अंदर 34 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3 ओवर्स के अंदर 19 रन दिए थे, 1 विकेट ली हुई थी, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन खा गए जिसकी वजह से उनकी टीम ने मैच को लूज़ किया। लुक जोंगमे ने 3 ओवर्स के अंदर 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए। वेलिंगटन मसाकद्दा ने 4 ओवर्स के अंदर 21 रन दिए, 1 विकेट ली। जबकि सिकंदर रजा बट मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको देना चाहिए, भले ही टीम जो है वो जिम्बाब्वे नहीं जीत पाई लेकिन मैन ऑफ द मैच उनको ही देना चाहिए। 60 के ऊपर रन को स्कोर किया उन्होंने और 3 विकेटें ली इस मैच के अंदर, 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 13 रन कर रहा, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दोस्तों देखने को मिली हमें सिकंदर रजा बट की तरफ से। जबकि शॉन विलियम्स ने 1 ओवर के अंदर 4 रन दिए और कोई भी विकेट लेने में वो कामयाब नहीं हुए। इस सीरीज़ की बात की जाए तो सीरीज़ अब जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 तारीख को शाम के वक्त वो मुकाबला खेला जाएगा और सीरीज़ को बराबर करने के लिए टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतना है। जबकि अगर बात की जाए टीम श्रीलंका की तो श्रीलंका अगर उस मुकाबले को जीत लेती है तो उस मुकाबले को जीतने के बाद श्रीलंकन टीम सीरीज़ के अंदर जो है वो एक फैसला कुन बरतरी कर लेगी अपने नाम और यहाँ पर सीरीज़ को जीत जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि बनता है क्या। श्रीलंका की टीम 144/7 जिन्होंने स्कोर को चेज़ किया और 3 विकेटों से उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है, जिसके बाद वो अब 1-0 अब चले गए हैं सीरीज़ के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही उमदा लाजवाब और शानदार क्रिकेट खेली गई टीम जो है वो यहाँ पर दोनों ही टीम्स की तरफ से, एक टीम की हम बात नहीं करेंगे, दोनों ही टीम्स की तरफ से उम्दा क्रिकेट खेली गई और इस मुकाबले को इन्होंने जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया। तो ये अब सिचुएशन रही इस मुकाबले की। वही जी हाँ गाइस, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस जो कि अब देखने को मिली हमें इन दोनों ही टीम्स के दरमियान और यहाँ पर इस मुकाबले को जीत लिया है टीम श्रीलंका ने आखिरी ओवर के अंदर जाकर। तो हमारी तरफ से हो बहुत बहुत मुबारकबाद इस टीम को इस जीत के ऊपर। श्रीलंका की परफॉर्मेंस भी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी डाउन चल रही है, लेकिन उनका मुकाबला भी कह ले कि इतनी स्ट्रांग टीम से नहीं था, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि श्रीलंका की जो टीम है उन्होंने किसी बड़ी टीम को नहीं हराया हुआ, अपनी टीम अपनी होम कंडीशंस के अंदर उन्होंने बड़ी मुश्किलात के साथ ये मुकाबला जीता है। तो ये चीज़ वाकई में ही काउंट होगी अगले आने वाले टाइम के अंदर। दिल से शुक्रिया बने रहने के लिए हमारे साथ। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये पहला T20 मुकाबला और क्या ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को आखिरी गेंद के ऊपर जाकर जीता है, बहुत ही उम्दा एफर्ट देखने को मिली इन दोनों ही टीम्स की तरफ से। यहाँ पर आखिरी ओवर के अंदर 14 रन बचाने थे ब्लेसिंग मुजरबानी को, लेकिन वो इन रन को नहीं बचा पाए और आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन खा गए, जिसकी वजह से टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को अब 3 विकेट्स के मार्जिन से जीत लिया है और सीरीज़ के अंदर अब ये टीम 1-0 अप चली गई है। तो कंग्रेचुलेशन टीम श्रीलंका को, हमारी तरफ से मुबारकबाद हो टीम श्रीलंका को जिन्होंने ये मुकाबला जीता और सीरीज़ के अंदर 1-0 की बढ़तरी को किया है अब अपने नाम। एक अच्छा एक्साइटिंग मैच जो है वो इन दोनों ही टीम्स के दरमियान देखने को मिला। यहाँ पर इस मुकाबले की बात की जाए तो जिम्बाब्वे की बैटिंग आई और जिम्बाब्वे की टीम की बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस रही, लेकिन कप्तान सिकंदर रजा बट ने अपनी टीम को जो है वो इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दोस्तों क्रिकेट खेली गई उनकी तरफ से और बॉलिंग हो जाए बैटिंग हो जाए उन्होंने दोनों ही तरह से जो है वो अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बनाकर
जो है वो रखने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के उनकी टीम जो है वो उनका बिल्कुल भी साथ दे नहीं पाई। और यहाँ पर हुआ कुछ यूं के फाइनल बॉल के ऊपर जो है वो दुष्मंता चमीरा ने दो रन लिए और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को जितवाया। टीम जिम्बाब्वे की तरफ से 26 रन ओपनर ने बनाए, कामू ने बनाए, और इसके बाद क्रेग अरवाइन ने 10 रन बनाए, 16 गेंदों का किया सामना उन्होंने। शॉन विलियम्स ने 20 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए, तो काफ़ी स्लो शुरुआत थी। लेकिन उसके बाद सिकंदर अलाबट ने 42 गेंदों के ऊपर 62 रन की उमदा इनिंग्स खेली। रयान बर्ल ने 5 रन बनाए, 9 गेंदों का किया उन्होंने सामना, और ब्रायन ने 10 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। लूक जोंगवे ने 13 रन बनाए 8 गेंदों का सामना करते हुए, तो अच्छी इख्तितामी देखने को मिली। टीम जिम्बाब्वे की तरफ से 3 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 143 रन बनाने में ये टीम कामयाब हुई। 37 पर पहली विकेट गिरी 31 गेंदों के ऊपर जाकर, दूसरी विकेट 38 के स्कोर पर गिरी 36 गेंदों के ऊपर, 38 रन जो विकेट आउट थी। तीसरी विकेट 83 के स्कोर पर 14वें ओवर के अंदर जाकर गिरी, 79 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम जो है वो जिम्बाब्वे का स्कोर, जिसके बाद 103 पर गिरी। चौथी विकेट 16वें ओवर के अंदर यहाँ पर 95 गेंदें और चौथी विकेट जाकर गिरी, 5वीं विकेट 129 के स्कोर पर 19वें ओवर के अंदर जाकर गिरी इस टीम की। बॉलिंग की बात की जाए तो एंजेलो मैथ्यूज ने 2 ओवर के अंदर 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए वो। दुशांत तुषारा ने 4 ओवर के अंदर 43 रन दिए, बहुत महंगे रहे वो। महेश दीक्षांत ने 4 ओवर के अंदर 16 रन दिए, 2 विकेट ली, 1 विकेट ली। चमीरा ने 38 रन देकर 2 विकेट ली। वनिंदो हसारंगा ने 19 रन देकर, जबकि दासुन शानका ने 2 ओवर के अंदर 13 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं ले पाए वो। श्रीलंकन बैटिंग की अगर बात की जाए तो टीम श्रीलंका की तरफ से जब बैटिंग की शुरुआत हुई तो बहुत ही ख़राब शुरुआत उनकी भी हुई। 2 रन बनाए बाथुम निशानका ने और कुशाल मेंडिस ने 17 रन, शाल परेरा ने जो है वो बनाए 17 रन, 13 गेंदों का सामना किया। सरिता समराविक्रमा ने 9 रन बनाए, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और एक चौका उन्होंने लगाया, जबकि चारिता श्रीलंका ने 16 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया। और इस स्टेज में ऐसा लग रहा था, वनिंदो हसारंगा भी 0 के स्कोर पर आउट हुए और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका जो है वो इस मैच को लूज़ कर जाएगी, लेकिन उसके बाद दासुन शानका और एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। एंजेलो मैथ्यूज़ ने 38 गेंदों के ऊपर 46 रन बनाए, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। आखिरी ओवर के अंदर 2 चौके लगाए एंजेलो मैथ्यूज़ ने, पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया, दूसरी गेंद के ऊपर चौका लगाया और उसके बाद वो आउट हुए दोस्तों, लेकिन अपनी टीम को मैच के अंदर इन कर गए। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर दासुन शानका जो है वो 26 रन बनाने में कामयाब हुए, 18 गेंदों का सामना किया, 4 चौके उन्होंने लगाए और 144 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला उन्होंने। जबकि दुष्मंता चमीरा ने आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो एक बाउंड्री लगाई और उन्होंने एक डबल हासिल किया। जी हाँ, बहुत ही उम्दा जो है वो उन्होंने बैटिंग की दुष्मंता चमीरा ने। जी बिल्कुल दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज़ के आउट होने की देर थी कि दुष्मंता चमीरा ने जो है वो अगली ही गेंद को 4 रन्स के लिए खेला, पुल किया उन्होंने, टॉप एज हुए, गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से होते हुए गई 4 रन्स के लिए, जिसके बाद दुष्मंता चमीरा ने अगली गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेला। फील्डर हालांकि पीछे ज़रूर थे लेकिन वो गेंद की पहुंच से दूर थे, 2 रन्स लिए गए और इस तरह टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीता। 5 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 1 लेग बाय और 4 वाइड के रन शामिल थे। पहली विकेट की बात की जाए तो वो 2 के स्कोर पर जाकर गिरी जब बाथुन सानका आउट हुए पहले ओवर के अंदर। दूसरी विकेट 32 के स्कोर पर जाकर गिरी जब कुशाल परेरा आउट हुए 5वें ओवर के अंदर जाकर। तीसरी विकेट 38 के स्कोर पर कुशाल मेंडिस 6ठे ओवर के अंदर आउट हुए। चौथी विकेट 51 के स्कोर पर सदीरा समराविक्रमा 8वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, जिसके बाद 5वीं विकेट 83 के स्कोर पर जाकर गिरी जब चारिता श्रीलंका आउट हुए और वो 14वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। जबकि 6ठी विकेट भी 83 के ही स्कोर पर गिरी जब वनिंदो हसारंगा 14 ओवर के अंदर 84 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम श्रीलंका के और उनकी 6 विकेटें गिर गई थी और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका इस मैच को हार जाएगी। लेकिन उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ जो दासुन शानका है उनके दरमियान एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली और एंजेलो मैथ्यूज़ 20वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, अपना काम कर गए 130 के स्कोर पर जाकर। 7वीं विकेट गिरी टीम श्रीलंका की और इस तरह वो आउट हुए। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो रिचर्ड नागरावन ने 4 ओवर्स के अंदर 34 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3 ओवर्स के अंदर 19 रन दिए थे, 1 विकेट ली हुई थी, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन खा गए जिसकी वजह से उनकी टीम ने मैच को लूज़ किया। लूक जोंगवे ने 3 ओवर्स के अंदर 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए। वेलिंगटन मसाकद्दा ने 4 ओवर्स के अंदर 21 रन दिए, 1 विकेट ली। जबकि सिकंदर रदाबट
मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको देना चाहिए। भले ही टीम जो है वो जिम्बाब्वे नहीं जीत पाई, लेकिन मैन ऑफ द मैच उनको ही देना चाहिए। 60 के ऊपर रन को स्कोर किया उन्होंने और 3 विकेट ली इस मैच के अंदर, 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 13 रन कर रहा, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दोस्तों देखने को मिली हमें सिकंदर अजाबट की तरफ से, जबकि शॉन विलियम्स ने 1 ओवर के अंदर 4 रन दिए और कोई भी विकेट लेने में वो कामयाब नहीं हुए। इस सीरीज़ की बात की जाए तो सीरीज़ का अब जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 तारीख को शाम के वक्त वो मुकाबला खेला जाएगा, और सीरीज़ को बराबर करने के लिए टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतना है। जबकि अगर बात की जाए टीम श्रीलंका की, तो श्रीलंका अगर उस मुकाबले को जीत लेती है तो उस मुकाबले को जीतने के बाद श्रीलंकन टीम सीरीज़ के अंदर जो है वो एक फैसला कुन बरतरी कर लेगी अपने नाम और यहाँ पर सीरीज़ को जीत जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि बनता है क्या। श्रीलंका की टीम 144 पे 7 जिन्होंने स्कोर को चेज़ किया और 3 विकेटों से उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है, जिसके बाद वो अब 1-0 अब चले गए हैं सीरीज़ के अंदर। श्रीलंका वर्सेज जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये पहला T20 मुकाबला, और क्या ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को आखिरी गेंद के ऊपर जाकर जीता है, बहुत ही उम्दा एफर्ट देखने को मिली इन दोनों ही टीम्स की तरफ से। यहाँ पर आखिरी ओवर के अंदर 14 रन बचाने थे ब्लेसिंग मुजरबानी को, लेकिन वो इन रन को नहीं बचा पाए और आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन खा गए, जिसकी वजह से टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को अब 3 विकेट्स के मार्जिन से जीत लिया है और सीरीज़ के अंदर अब ये टीम 1-0 अप चली गई है। तो कंग्रेचुलेशन टीम श्रीलंका को, हमारी तरफ से मुबारकबाद हो टीम श्रीलंका को जिन्होंने ये मुकाबला जीता और सीरीज़ के अंदर 1-0 की बढ़तरी को किया है अब अपने नाम। एक अच्छा एक्साइटिंग मैच जो है वो इन दोनों ही टीम्स के दरमियान देखने को मिला। यहाँ पर इस मुकाबले की बात की जाए तो जिम्बाब्वे की बैटिंग आई और जिम्बाब्वे की टीम की बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस रही, लेकिन कप्तान सिकंदर रदा बट ने अपनी टीम को जो है वो इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दोस्तों क्रिकेट खेली गई उनकी तरफ से, और बॉलिंग हो जाए बैटिंग हो जाए उन्होंने दोनों ही तरह से जो है वो अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बनाकर जो है वो रखने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के उनकी टीम जो है वो उनका बिल्कुल भी साथ दे नहीं पाई। और यहाँ पर हुआ कुछ यूं के फाइनल बॉल के ऊपर जो है वो दुष्मंता चमीरा ने 2 रन लिए और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को जितवाया। टीम जिम्बाब्वे की तरफ से 26 रन ओपनर ने बनाए, कामू ने बनाए, और इसके बाद क्रेग वाइन ने 10 रन बनाए, 16 गेंदों का किया सामना उन्होंने। शॉन विलियम्स ने 20 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए, तो काफ़ी स्लो शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद सिकंदर रदाबट ने 42 गेंदों के ऊपर 62 रन की उमदा इनिंग्स खेली। रियान बर ने 5 रन बनाए, 9 गेंदों का किया उन्होंने सामना, और ब्रायन ने 10 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। लूक जोंगवे ने 13 रन बनाए 8 गेंदों का सामना करते हुए, तो अच्छी इख्तितामी देखने को मिली टीम जिम्बाब्वे की तरफ से। 3 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 143 रन बनाने में ये टीम कामयाब हुई। 37 पर पहली विकेट गिरी 31 गेंदों के ऊपर जाकर, दूसरी विकेट 38 के स्कोर पर गिरी 36 गेंदों के ऊपर, 38 रन 2 विकेट आउट थी। तीसरी विकेट 83 के स्कोर पर 14वें ओवर के अंदर जाकर गिरी, 79 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम जो है वो जिम्बाब्वे का स्कोर, जिसके बाद 103 पर गिरी चौथी विकेट 16वें ओवर के अंदर। यहाँ पर 95 गेंदें और चौथी विकेट जाकर गिरी, 5वें विकेट 129 के स्कोर पर 19वें ओवर के अंदर जाकर गिरी इस टीम की। बॉलिंग की बात की जाए तो एंजेलो मैथ्यूज ने 2 ओवर के अंदर 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए वो। निशांत तुषारा ने 4 ओवर्स के अंदर 43 रन दिए, बहुत महंगे रहे वो। महेश दीक्षांत ने 4 ओवर्स के अंदर 16 रन दिए, 2 विकेट ली, 1 विकेट ली। चमीरा ने 38 रन देकर 2 विकेट ली। वनिंदो हसारंगा ने 19 रन देकर, जबकि दासुन शानका ने 2 ओवर्स के अंदर 13 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं ले पाए वो। श्रीलंकन बैटिंग की अगर बात की जाए तो टीम श्रीलंका की तरफ से जब बैटिंग की शुरुआत हुई तो बहुत ही ख़राब शुरुआत उनकी भी हुई। 2 रन बनाए बाथुम निशानका ने और कुशाल मेंडिस ने 17 रन बनाए, 15 गेंदों का किया उन्होंने सामना, जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर कुशाल परेरा ने जो है वो बनाए 17 रन 13 गेंदों का सामना किया। सजिदा समरविक्रमा ने 9 रन बनाए, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 1 चौका उन्होंने लगाया, जबकि चारिथा श्रीलंका ने 16 रन बनाए 22 गेंदों का सामना किया। और इस स्टेज में ऐसा लग रहा था वनिंदो हसारंगा भी 0 के स्कोर पर आउट हुए और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका जो है वो इस मैच को लूज़ कर जाएगी, लेकिन उसके बाद दासुन शानका और एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। एंजेलो मैथ्यूज़ ने 38 गेंदों के ऊपर 46 रन बनाए, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। आखिरी ओवर के अंदर 2 चौके लगाए एंजेलो मैथ्यूज़ ने, पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया, दूसरी गेंद के ऊपर चौका लगाया और उसके बाद वो आउट हुए दोस्तों।
लेकिन अपनी टीम को मैच के अंदर इन कर गए, जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर दासुन शान का जो है वो 26 रन बनाने में कामयाब हुए, 18 गेंदों का सामना किया, 4 चौके उन्होंने लगाए और 144 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला उन्होंने, जबकि दुष्मता चमीरा ने आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो एक बाउंड्री लगाई और उन्होंने एक डबल हासिल किया। जी हाँ, बहुत ही उम्दा जो है वो उन्होंने बैटिंग की दुष्मता चमीरा ने। जी बिल्कुल दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज़ के आउट होने की देर थी कि दुष्मता चमीरा ने जो है वो अगली ही गेंद को 4 रन्स के लिए खेला, पुल किया उन्होंने, टॉप एज हुए, गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से होते हुए गई 4 रन्स के लिए, जिसके बाद दुष्मता चमीरा ने अगली गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेला, फील्डर हालांकि पीछे ज़रूर थे लेकिन वो गेंद की पहुंच से दूर थे, 2 रन्स लिए गए और इस तरह टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीता। 5 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 1 लेग बाय और 4 वाइड के रन शामिल थे। पहली विकेट की बात की जाए तो वो 2 के स्कोर पर जाकर गिरी जब पाथुन निशान का आउट हुए पहले ओवर के अंदर, दूसरी विकेट 32 के स्कोर पर जाकर गिरी जब कुशाल परेरा आउट हुए 5वें ओवर के अंदर जाकर, तीसरी विकेट 38 के स्कोर पर कुशाल मेंडिस 6ठे ओवर के अंदर आउट हुए, चौथी विकेट 51 के स्कोर पर सदीरा समरा विक्रमा 8वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, जिसके बाद 5वीं विकेट 83 के स्कोर पर जाकर गिरी जब चारिथा स्लानका आउट हुए और वो 14वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, जबकि 6ठी विकेट भी 83 के ही स्कोर पर गिरी जब वनिंदो हसारंगा 14 ओवर्स के अंदर 84 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम श्रीलंका के और उनकी 6 विकेटें गिर गई थी और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका इस मैच को हार जाएगी, लेकिन उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ जो दासुन शानका है उनके दरमियान एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली और एंजेलो मैथ्यूज़ 20वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, अपना काम कर गए, 138 के स्कोर पर जाकर 7वीं विकेट गिरी टीम श्रीलंका की और इस तरह वो आउट हुए। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो रिचर्ड नागरावन ने 4 ओवर्स के अंदर 34 रन दिए, 1 विकेट ली, ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3 ओवर्स के अंदर 19 रन दिए थे, 1 विकेट ली हुई थी, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन्स खा गए जिसकी वजह से उनकी टीम ने मैच को लूज़ किया। लूक जोंगमे ने 3 ओवर्स के अंदर 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए, वेलिंगटन मसाकद्दा ने 4 ओवर्स के अंदर 21 रन दिए, 1 विकेट ली, जबकि सिकंदर रदा बट मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको देना चाहिए, भले ही टीम जो है वो जिम्बाब्वे नहीं जीत पाई लेकिन मैन ऑफ द मैच उनको ही देना चाहिए। 60 के ऊपर रन्स को स्कोर किया उन्होंने और 3 विकेटें ली इस मैच के अंदर, 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 13 रन ये कर रहा, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दोस्तों देखने को मिली हमें सिकंदर अला भट्ट की तरफ से, जबकि शॉन विलियम्स ने 1 ओवर के अंदर 4 रन दिए और कोई भी विकेट लेने में वो कामयाब नहीं हुए। इस सीरीज़ की बात की जाए तो सीरीज़ का अब जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 तारीख को शाम के वक्त वो मुकाबला खेला जाएगा और सीरीज़ को बराबर करने के लिए टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतना है। जबकि अगर बात की जाए टीम श्रीलंका की तो श्रीलंका अगर उस मुकाबले को जीत लेती है तो उस मुकाबले को जीतने के बाद श्रीलंकन टीम सीरीज़ के अंदर जो है वो एक फैसला कुन बरतरी कर लेगी अपने नाम और यहाँ पर सीरीज़ को जीत जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि बनता है क्या। श्रीलंका की टीम 144 के साथ जिन्होंने स्कोर को चेज़ किया और 3 विकेटों से उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है, जिसके बाद वो अब 1-0 अप चले गए हैं सीरीज़ के अंदर। श्रीलंका वर्सेज जिम्बाब्वे सीरीज़ 2023 का खेले जाने वाला ये पहला T20 मुकाबला और क्या ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को आखिरी गेंद के ऊपर जाकर जीता है, बहुत ही उम्दा एफर्ट देखने को मिली इन दोनों ही टीम्स की तरफ से। यहाँ पर आखिरी ओवर के अंदर 14 रन्स बचाने थे ब्लेसिंग मुजरबानी को, लेकिन वो इन रन्स को नहीं बचा पाए और आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन्स खा गए, जिसकी वजह से टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को अब 3 विकेट्स के मार्जिन से जीत लिया है और सीरीज़ के अंदर अब ये टीम 1-0 अप चली गई है। तो कंग्रेचुलेशन टीम श्रीलंका को, हमारी तरफ से मुबारकबाद हो टीम श्रीलंका को जिन्होंने ये मुकाबला जीता और सीरीज़ के अंदर 1-0 की बढ़तरी को किया है अब अपने नाम। एक अच्छा एक्साइटिंग मैच जो है वो इन दोनों ही टीम्स के दरमियान देखने को मिला। यहाँ पर इस मुकाबले की बात की जाए तो जिम्बाब्वे की बैटिंग आई और जिम्बाब्वे की टीम की बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस रही, लेकिन कप्तान सिकंदर रदा बट ने अपनी टीम को जो है वो इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दोस्तों क्रिकेट खेली गई उनकी तरफ से और बॉलिंग हो जाए बैटिंग हो जाए उन्होंने दोनों ही तरह से जो है वो अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बनाकर जो है वो रखने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के उनकी टीम जो है वो उनका बिल्कुल भी साथ दे नहीं पाई और यहाँ पर हुआ कुछ यूं के फाइनल बॉल के ऊपर जो है वो दुष्मता चमीरा ने 2 रन लिए और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को जितवाया। टीम जिम्बाब्वे की तरफ से 26 रन ओपनर ने बनाए
कामू ने बनाए और इसके बाद क्रेग इरविन ने 10 रन बनाए 16 गेंदों का किया सामना। उन्होंने शॉन विलियम्स ने 20 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए, तो काफ़ी स्लो शुरुआत थी। लेकिन उसके बाद सिकंदर अलाबट ने 42 गेंदों के ऊपर 62 रन की उमदा इनिंग्स खेली। रियान बर ने 5 रन बनाए 9 गेंदों का किया उन्होंने सामना, और ब्रायन ने 10 रन बनाए 8 गेंदों का सामना किया। लुक जोंगबे ने 13 रन बनाए 8 गेंदों का सामना करते हुए, तो अच्छी इख्तितामी देखने को मिली टीम जिम्बाब्वे की तरफ से। 3 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 143 रन बनाने में ये टीम कामयाब हुई। 37 पर पहली विकेट गिरी 31 गेंदों के ऊपर जाकर, दूसरी विकेट 38 के स्कोर पर गिरी 36 गेंदों के ऊपर 38 रन जो विकेट आउट थी। तीसरी विकेट 83 के स्कोर पर 14वें ओवर के अंदर जाकर गिरी, 79 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम जो है वो जिम्बाब्वे का स्कोर। जिसके बाद 103 पर गिरी चौथी विकेट 16वें ओवर के अंदर, यहाँ पर 95 गेंदें और चौथी विकेट जाकर गिरी। पांचवी विकेट 129 के स्कोर पर 19वें ओवर के अंदर जाकर गिरी इस टीम की। बॉलिंग की बात की जाए तो एंजेलो मैथ्यूज ने 2 ओवर्स के अंदर 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए वो। निशांत तुषारा ने 4 ओवर्स के अंदर 43 रन दिए, बहुत महंगे रहे वो। महेश दीक्षांत ने 4 ओवर्स के अंदर 16 रन दिए, 2 विकेट ली, 1 विकेट ली। चमीरा ने 38 रन देकर 2 विकेट ली। वनिंदो हसारंगा ने 19 रन देकर, जबकि दासुन शानका ने 2 ओवर्स के अंदर 13 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं ले पाए वो। श्रीलंकन बैटिंग की अगर बात की जाए तो टीम श्रीलंका की तरफ से जब बैटिंग की शुरुआत हुई तो बहुत ही ख़राब शुरुआत उनकी भी हुई। 2 रन बनाए बाथुम निशानका ने और कुशाल मेंडिस ने 17 रन बनाए 15 गेंदों का किया उन्होंने सामना। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर कुशाल परेरा ने जो है वो बनाए 17 रन 13 गेंदों का सामना किया। सरिगा समरविक्रमा ने 9 रन बनाए 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और एक चौका उन्होंने लगाया, जबकि चारिथा श्रीलंका ने 16 रन बनाए 22 गेंदों का सामना किया। और इस स्टेज में ऐसा लग रहा था वनिंदो हसारंगा भी 0 के स्कोर पर आउट हुए और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका जो है वो इस मैच को लूज़ कर जाएगी। लेकिन उसके बाद दासुन शानका और एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। एंजेलो मैथ्यूज़ ने 38 गेंदों के ऊपर 46 रन बनाए 5 चौके लगाए 1 छक्का लगाया। आखिरी ओवर के अंदर 2 चौके लगाए एंजेलो मैथ्यूज़ ने, पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया, दूसरी गेंद के ऊपर चौका लगाया और उसके बाद वो आउट हुए दोस्तों। लेकिन अपनी टीम को मैच के अंदर इन कर गए। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर दासुन शानका जो है वो 26 रन बनाने में कामयाब हुए, 18 गेंदों का सामना किया, 4 चौके उन्होंने लगाए और 144 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला उन्होंने। जबकि दुष्मंता चमीरा ने आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो एक बाउंड्री लगाई और उन्होंने एक डबल हासिल किया। जी हाँ, बहुत ही उम्दा जो है वो उन्होंने बैटिंग की दुष्मंता चमीरा ने। जी बिल्कुल दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज़ के आउट होने की देर थी कि दुष्मंता चमीरा ने जो है वो अगली ही गेंद को 4 रन के लिए खेला, पुल किया उन्होंने, टॉप एज हुए, गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से होते हुए गई 4 रन के लिए। जिसके बाद दुष्मंता चमीरा ने अगली गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेला। फील्डर हालांकि पीछे ज़रूर थे लेकिन वो गेंद की पहुंच से दूर थे, 2 रन लिए गए और इस तरह टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीता। 5 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 1 लेग बाय और 4 वाइड के रन शामिल थे। पहली विकेट की बात की जाए तो वो 2 के स्कोर पर जाकर गिरी जब बाथुम निशानका आउट हुए पहले ओवर के अंदर। दूसरी विकेट 32 के स्कोर पर जाकर गिरी जब कुशाल परेरा आउट हुए पांचवें ओवर के अंदर जाकर। तीसरी विकेट 38 के स्कोर पर कुशाल मेंडिस छठे ओवर के अंदर आउट हुए। चौथी विकेट 51 के स्कोर पर सदीरा समरविक्रमा आठवें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। जिसके बाद पांचवें विकेट 83 के स्कोर पर जाकर गिरी जब चारिथा श्रीलंका आउट हुए और वो 14वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। जबकि छठी विकेट भी 83 के ही स्कोर पर गिरी जब वनिंदो हसारंगा 14 ओवर्स के अंदर 84 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम श्रीलंका के और उनकी 6 विकेटें गिर गई थी और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका इस मैच को हार जाएगी। लेकिन उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ जो दासुन शानका है उनके दरमियान एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली और एंजेलो मैथ्यूज़ 20वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, अपना काम कर गए। 130 के स्कोर पर जाकर 7वीं विकेट गिरी टीम श्रीलंका की और इस तरह वो आउट हुए। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो रिचर्ड नागरावन ने 4 ओवर्स के अंदर 34 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3 ओवर्स के अंदर 19 रन दिए थे, 1 विकेट ली हुई थी, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन खा गए जिसकी वजह से उनकी टीम ने मैच को लूज़ किया। लुक जोंगबे ने 3 ओवर्स के अंदर 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए। वेलिंगटन मसाकद्दा ने 4 ओवर्स के अंदर 21 रन दिए, 1 विकेट ली। जबकि सिकंदर अलाबट, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको देना चाहिए, भले ही टीम जो है वो जिम्बाब्वे नहीं जीत पाई लेकिन मैन ऑफ द मैच उनको ही देना चाहिए। 60 के ऊपर रन्स को स्कोर किया उन्होंने और 3 विकेटें ली इस मैच के अंदर 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 13 रन देकर, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दोस्तों देखने को मिली हमें सिकंदर अलाबट की तरफ से। जबकि शॉन विलियम्स ने 1 ओवर के अंदर 4 रन दिए और कोई भी विकेट लेने में वो कामयाब नहीं हुए। इस सीरीज़ की बात की जाए तो सीरीज़
का अब जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 तारीख को शाम के वक्त वो मुकाबला खेला जाएगा और सीरीज़ को बराबर करने के लिए टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतना है। जबकि अगर बात की जाए टीम श्रीलंका की तो श्रीलंका अगर उस मुकाबले को जीत लेती है तो उस मुकाबले को जीतने के बाद श्रीलंकन टीम सीरीज़ के अंदर जो है वो एक फैसला कुन बरतरी कर लेगी अपने नाम और यहाँ पर सीरीज़ को जीत जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि बनता है क्या। श्रीलंका की टीम 144/7 जिन्होंने स्कोर को चेज़ किया और 3 विकेटों से उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है जिसके बाद वो अब 1-0 अप चले गए हैं सीरीज़ के अंदर। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये पहला T20 मुकाबला और क्या ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को आखिरी गेंद के ऊपर जाकर जीता है। बहुत ही उम्दा एफर्ट देखने को मिली इन दोनों ही टीम्स की तरफ से। यहाँ पर आखिरी ओवर के अंदर 14 रन बचाने थे ब्लेसिंग नजरबानी को लेकिन वो इन रन को नहीं बचा पाए और आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन खा गए जिसकी वजह से टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को अब 3 विकेट्स के मार्जिन से जीत लिया है और सीरीज के अंदर अब ये टीम 1-0 अप चली गई है। तो कंग्रेचुलेशन टीम श्रीलंका को, हमारी तरफ से मुबारकबाद हो टीम श्रीलंका को जिन्होंने ये मुकाबला जीता और सीरीज़ के अंदर 1-0 की बढ़तरी को किया है अब अपने नाम। एक अच्छा एक्साइटिंग मैच जो है वो इन दोनों ही टीम्स के दरमियान देखने को मिला। यहाँ पर इस मुकाबले की बात की जाए तो जिम्बाब्वे की बैटिंग आई और जिम्बाब्वे की टीम की बहुत ही मायूसकन परफॉर्मेंस रही लेकिन कप्तान सिकंदर रदा बट ने अपनी टीम को जो है वो इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दोस्तों क्रिकेट खेली गई उनकी तरफ से और बॉलिंग हो जाए बैटिंग हो जाए उन्होंने दोनों ही तरह से जो है वो अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बनाकर जो है वो रखने की कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली के उनकी टीम जो है वो उनका बिल्कुल भी साथ दे नहीं पाई और यहाँ पर हुआ कुछ यूं के फाइनल बॉल के ऊपर जो है वो दुष्मंता चमीरा ने 2 रन लिए और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को जितवाया। टीम जिम्बाब्वे की तरफ से 26 रन ओपनर ने बनाए कामू ने बनाए और इसके बाद क्रेग वाइन ने 10 रन बनाए। 16 गेंदों का किया सामना उन्होंने शॉन विलियम्स ने 20 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए तो काफ़ी स्लो शुरुआत थी लेकिन उसके बाद सिकंदर रदाबट ने 42 गेंदों के ऊपर 62 रन की उमदा इनिंग्स खेली। रियान बर्ल ने 5 रन बनाए 9 गेंदों का किया उन्होंने सामना और ब्रायन ने 10 रन बनाए 8 गेंदों का सामना किया। लूक जोंगवे ने 13 रन बनाए 8 गेंदों का सामना करते हुए तो अच्छी इख्तितामी देखने को मिली टीम जिम्बाब्वे की तरफ से। 3 एक्स्ट्रास फेंकी गई 143 रन बनाने में ये टीम कामयाब हुई। 37 पर पहली विकेट गिरी 31 गेंदों के ऊपर जाकर दूसरी विकेट 38 के स्कोर पर गिरी 36 गेंदों के ऊपर 38 रन दो विकेट आउट थी। तीसरी विकेट 83 के स्कोर पर 14वें ओवर के अंदर जाकर गिरी 79 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम जो है वो जिम्बाब्वे का स्कोर। जिसके बाद 103 पर गिरी चौथी विकेट 16वें ओवर के अंदर यहां पर 95 गेंदें और चौथी विकेट जाकर गिरी। 5वें विकेट 129 के स्कोर पर 19वें ओवर के अंदर जाकर गिरी इस टीम की। बॉलिंग की बात की जाए तो एंजेलो मैथ्यूज ने 2 ओवर के अंदर 13 रन दिए कोई विकेट नहीं ले पाए वो। निशांत तुषारा ने 4 ओवर्स के अंदर 43 रन दिए बहुत महंगे रहे वो। महेश दीक्षांत ने 4 ओवर्स के अंदर 16 रन दिए 2 विकेट ली 1 विकेट ली। चमीरा ने 38 रन देकर 2 विकेट ली। वनिंदो हसारंगा ने 19 रन देकर जबकि दासुन शानका ने 2 ओवर्स के अंदर 13 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं ले पाए वो। श्रीलंकन बैटिंग की अगर बात की जाए तो टीम श्रीलंका की तरफ से जब बैटिंग की शुरुआत हुई तो बहुत ही ख़राब शुरुआत उनकी भी हुई। 2 रन बनाए बाथुन निशानका ने और कुशाल मेंडिस ने 17 रन बनाए 15 गेंदों का किया उन्होंने सामना। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर कुशाल परेरा ने जो है वो बनाए 17 रन 13 गेंदों का सामना किया। सरिया समरविक्रमा ने 9 रन बनाए 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और एक चौका उन्होंने लगाया। जबकि चारिथा श्रीलंका ने 16 रन बनाए 22 गेंदों का सामना किया और इस स्टेज में ऐसा लग रहा था वनिंदो हसारंगा भी 0 के स्कोर पर आउट हुए और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका जो है वो इस मैच को लूज़ कर जाएगी लेकिन उसके बाद दासुन शानका और एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। एंजेलो मैथ्यूज़ ने 38 गेंदों के ऊपर 46 रन बनाए 5 चौके लगाए 1 छक्का लगाया। आखिरी ओवर के अंदर 2 चौके लगाए एंजेलो मैथ्यूज़ ने। पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया दूसरी गेंद के ऊपर चौका लगाया और उसके बाद वो आउट हुए दोस्तों लेकिन अपनी टीम को मैच के अंदर इन कर गए। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर दासुन शान का जो है वो 26 रन बनाने में कामयाब हुए 18 गेंदों का सामना किया 4 चौके उन्होंने लगाए और 144 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला उन्होंने। जबकि दुष्मंता चमीरा ने आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो एक बाउंड्री लगाई और उन्होंने एक डबल हासिल किया। जी हाँ बहुत ही उम्दा जो है वो उन्होंने बैटिंग की दुष्मंता चमीरा ने। जी बिल्कुल दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज़ के आउट होने की देर थी कि दुष्मंता चमीरा ने जो है वो अगली ही गेंद को
चार रन के लिए खेला, पुल किया उन्होंने, टॉप एज हुए, गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से होते हुए गई चार रन के लिए, जिसके बाद दुष्मंता चमीरा ने अगली गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेला। फील्डर हालांकि पीछे जरूर थे लेकिन वो गेंद की पहुंच से दूर थे, दो रन लिए गए और इस तरह टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीता। पांच एक्स्ट्रास फेंकी गई, एक लेग बाय और चार वाइड के रन शामिल थे। पहली विकेट की बात की जाए तो वो दो के स्कोर पर जाकर गिरी जब पाथुम निशान का आउट हुए पहले ओवर के अंदर। दूसरी विकेट 32 के स्कोर पर जाकर गिरी जब कुशाल परेरा आउट हुए पांचवें ओवर के अंदर जाकर। तीसरी विकेट 38 के स्कोर पर कुशाल मेंडिस छठे ओवर के अंदर आउट हुए। चौथी विकेट 51 के स्कोर पर सदीरा समरा विक्रमा आठवें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। जिसके बाद पांचवें विकेट 83 के स्कोर पर जाकर गिरी जब चारिथा स्लानका आउट हुए और वो 14वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। जबकि छठी विकेट भी 83 के ही स्कोर पर गिरी जब वनिंदो हसारंगा 14 ओवर्स के अंदर 84 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम श्रीलंका के और उनकी 6 विकेटें गिर गई थी और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका इस मैच को हार जाएगी। लेकिन उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ जो दासुन शानका है उनके दरमियान एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली और एंजेलो मैथ्यूज़ 20वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, अपना काम कर गए। 130 के स्कोर पर जाकर 7वीं विकेट गिरी टीम श्रीलंका की और इस तरह वो आउट हुए। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो रिचर्ड नागरावन ने 4 ओवर्स के अंदर 34 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3 ओवर्स के अंदर 19 रन दिए थे, 1 विकेट ली हुई थी, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन्स खा गए जिसकी वजह से उनकी टीम ने मैच को लूज़ किया। लुक जोंगवे ने 3 ओवर्स के अंदर 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए। वेलिंगटन मसाकद्दा ने 4 ओवर्स के अंदर 21 रन दिए, 1 विकेट ली। जबकि सिकंदर रदा बट मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको देना चाहिए, भले ही टीम जो है वो जिम्बाब्वे नहीं जीत पाई लेकिन मैन ऑफ द मैच उनको ही देना चाहिए। 60 के ऊपर रन्स को स्कोर किया उन्होंने और 3 विकेटें ली इस मैच के अंदर 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 13 रन कर रहा, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दोस्तों देखने को मिली हमें सिकंदर अदाबट की तरफ से। जबकि शॉन विलियम्स ने 1 ओवर के अंदर 4 रन दिए और कोई भी विकेट लेने में वो कामयाब नहीं हुए। इस सीरीज़ की बात की जाए तो सीरीज़ का अब जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 तारीख को शाम के वक्त वो मुकाबला खेला जाएगा और सीरीज़ को बराबर करने के लिए टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतना है। जबकि अगर बात की जाए टीम श्रीलंका की तो श्रीलंका अगर उस मुकाबले को जीत लेती है तो उस मुकाबले को जीतने के बाद श्रीलंकन टीम सीरीज़ के अंदर जो है वो एक फैसला कुन बरतरी कर लेगी अपने नाम और यहाँ पर सीरीज़ को जीत जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि बनता है क्या। श्रीलंका की टीम 144/7 जिन्होंने स्कोर को चेज़ किया और 3 विकेटों से उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है, जिसके बाद वो अब 1-0 अप चले गए हैं सीरीज़ के अंदर। श्रीलंका वर्सेज जिम्बाब्वे सीरीज़ 2023 का खेले जाने वाला ये पहला T20 मुकाबला और क्या ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को आखिरी गेंद के ऊपर जाकर जीता है, बहुत ही उम्दा एफर्ट देखने को मिली इन दोनों ही टीम्स की तरफ से। यहाँ पर आखिरी ओवर के अंदर 14 रन बचाने थे ब्लेसिंग मुजरबानी को लेकिन वो इन रन को नहीं बचा पाए और आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन खा गए, जिसकी वजह से टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को अब 3 विकेट्स के मार्जिन से जीत लिया है और सीरीज़ के अंदर अब ये टीम 1-0 अप चली गई है। तो कंग्रेचुलेशन टीम श्रीलंका को, हमारी तरफ से मुबारकबाद हो टीम श्रीलंका को जिन्होंने ये मुकाबला जीता और सीरीज़ के अंदर 1-0 की बढ़तरी को किया है अब अपने नाम। एक अच्छा एक्साइटिंग मैच जो है वो इन दोनों ही टीम्स के दरमियान देखने को मिला। यहाँ पर इस मुकाबले की बात की जाए तो जिम्बाब्वे की बैटिंग आई और जिम्बाब्वे की टीम की बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस रही लेकिन कप्तान सिकंदर रदा बट ने अपनी टीम को जो है वो इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दोस्तों क्रिकेट खेली गई उनकी तरफ से और बॉलिंग हो जाए बैटिंग हो जाए उन्होंने दोनों ही तरह से जो है वो अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बनाकर जो है वो रखने की कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली के उनकी टीम जो है वो उनका बिल्कुल भी साथ दे नहीं पाई और यहाँ पर हुआ कुछ यूं के फाइनल बॉल के ऊपर जो है वो दुष्मंता चमीरा ने 2 रन लिए और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को जितवाया। टीम जिम्बाब्वे की तरफ से 26 रन ओपनर ने बनाए कामू ने बनाए और इसके बाद क्रेग वाइन ने 10 रन बनाए, 16 गेंदों का किया सामना उन्होंने। शॉन विलियम्स ने 20 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए, तो काफ़ी स्लो शुरुआत थी लेकिन उसके बाद सिकंदर रदाबट ने 42 गेंदों के ऊपर 62 रन की उमदा इनिंग्स खेली। रियान बर ने 5 रन बनाए, 9 गेंदों का किया उन्होंने सामना और ब्रायन ने 10 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। लुक जोंगवे ने 13 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना करते हुए तो अच्छी इख्तितामी देखने को मिली टीम जिम्बाब्वे की तरफ से। 3 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 143 रन बनाने में ये टीम कामयाब हुई।
गिरी, 37 पर पहली विकेट गिरी 31 गेंदों के ऊपर जाकर, दूसरी विकेट 38 के स्कोर पर गिरी 36 गेंदों के ऊपर 38 रन जो विकेट आउट थी, तीसरी विकेट 83 के स्कोर पर 14वें ओवर के अंदर जाकर गिरी, 79 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम जो है वो जिम्बाब्वे का स्कोर, जिसके बाद 103 पर गिरी चौथी विकेट 16वें ओवर के अंदर, यहाँ पर 95 गेंदें और चौथी विकेट जाकर गिरी, 5वें विकेट 129 के स्कोर पर 19वें ओवर के अंदर जाकर गिरी इस टीम की। बॉलिंग की बात की जाए तो एंजेलो मैथ्यूज़ ने 2 ओवर्स के अंदर 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए वो। निशांत तुषारा ने 4 ओवर्स के अंदर 43 रन दिए, बहुत महंगे रहे वो। महेश दीक्षांत ने 4 ओवर्स के अंदर 16 रन दिए, 2 विकेट ली, 1 विकेट ली। चमीरा ने 38 रन देकर 2 विकेट ली। वनिंदो हसारंगा ने 19 रन देकर, जबकि दासुन शानका ने 2 ओवर्स के अंदर 13 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं ले पाए वो। श्रीलंकन बैटिंग की अगर बात की जाए तो टीम श्रीलंका की तरफ से जब बैटिंग की शुरुआत हुई तो बहुत ही ख़राब शुरुआत उनकी भी हुई। 2 रन बनाए बाथुम निशानका ने और कुशाल मेंडिस ने 17 रन बनाए, 15 गेंदों का किया उन्होंने सामना। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर कुशाल परेरा ने जो है वो बनाए 17 रन 13 गेंदों का सामना किया। सरिता समरविक्रमा ने 9 रन बनाए, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और एक चौका उन्होंने लगाया। जबकि चारिता श्रीलंका ने 16 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया और इस स्टेज में ऐसा लग रहा था वनिंदो हसारंगा भी 0 के स्कोर पर आउट हुए और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका जो है वो इस मैच को लूज कर जाएगी, लेकिन उसके बाद दासुन शानका और एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। एंजेलो मैथ्यूज़ ने 38 गेंदों के ऊपर 46 रन बनाए, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। आखिरी ओवर के अंदर 2 चौके लगाए एंजेलो मैथ्यूज़ ने, पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया, दूसरी गेंद के ऊपर चौका लगाया और उसके बाद वो आउट हुए दोस्तों, लेकिन अपनी टीम को मैच के अंदर इन कर गए। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर दासुन शानका जो है वो 26 रन बनाने में कामयाब हुए, 18 गेंदों का सामना किया, 4 चौके उन्होंने लगाए और 144 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला उन्होंने। जबकि दुष्मंता चमीरा ने आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो एक बाउंड्री लगाई और उन्होंने एक डबल हासिल किया। जी हाँ, बहुत ही उम्दा जो है वो उन्होंने बैटिंग की दुष्मंता चमीरा ने। जी बिल्कुल दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज़ के आउट होने की देर थी कि दुष्मंता चमीरा ने जो है वो अगली ही गेंद को 4 रन्स के लिए खेला, पुल किया उन्होंने, टॉप एज हुए, गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से होते हुए गई 4 रन्स के लिए। जिसके बाद दुष्मंता चमीरा ने अगली गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेला, फील्डर हालांकि पीछे ज़रूर थे लेकिन वो गेंद की पहुंच से दूर थे, 2 रन्स लिए गए और इस तरह टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीता। 5 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 1 लेग बाय और 4 वाइड के रन शामिल थे। पहली विकेट की बात की जाए तो वो 2 के स्कोर पर जाकर गिरी जब बाथुन शानका आउट हुए पहले ओवर के अंदर, दूसरी विकेट 32 के स्कोर पर जाकर गिरी जब कुशाल परेरा आउट हुए 5वें ओवर के अंदर जाकर, तीसरी विकेट 38 के स्कोर पर कुशाल मेंडिस 6ठे ओवर के अंदर आउट हुए, चौथी विकेट 51 के स्कोर पर सदीरा समरविक्रमा 8वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, जिसके बाद 5वीं विकेट 83 के स्कोर पर जाकर गिरी जब चारिता श्रीलंका आउट हुए और वो 14वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, जबकि 6ठी विकेट भी 83 के ही स्कोर पर गिरी जब वनिंदो हसारंगा 14 ओवर्स के अंदर 84 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम श्रीलंका के और उनकी 6 विकेटें गिर गई थी और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका इस मैच को हार जाएगी, लेकिन उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ जो दासुन शानका है उनके दरमियान एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली और एंजेलो मैथ्यूज़ 20वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, अपना काम कर गए, 130 के स्कोर पर जाकर 7वीं विकेट गिरी टीम श्रीलंका की और इस तरह वो आउट हुए। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो रिचर्ड नागरावन ने 4 ओवर्स के अंदर 34 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3 ओवर्स के अंदर 19 रन दिए थे, 1 विकेट ली हुई थी, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन्स खा गए जिसकी वजह से उनकी टीम ने मैच को लूज़ किया। लूक जोंगवे ने 3 ओवर्स के अंदर 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए। वेलिंगटन मसाकद्दा ने 4 ओवर्स के अंदर 21 रन दिए, 1 विकेट ली। जबकि सिकंदर रदा बट मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको देना चाहिए, भले ही टीम जो है वो जिम्बाब्वे नहीं जीत पाई लेकिन मैन ऑफ द मैच उनको ही देना चाहिए। 60 के ऊपर रन्स को स्कोर किया उन्होंने और 3 विकेटें ली इस मैच के अंदर 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 13 रन देकर, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दोस्तों देखने को मिली हमें सिकंदर अला भट्ट की तरफ से। जबकि शॉन विलियम्स ने 1 ओवर के अंदर 4 रन दिए और कोई भी विकेट लेने में वो कामयाब नहीं हुए। इस सीरीज़ की बात की जाए तो सीरीज़ का अब जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 तारीख को शाम के वक्त वो मुकाबला खेला जाएगा और सीरीज़ को बराबर करने के लिए टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतना है। जबकि अगर बात की जाए टीम श्रीलंका की तो श्रीलंका अगर उस मुकाबले को जीत लेती है तो उस मुकाबले को जीतने के बाद
श्रीलंकन टीम सीरीज के अंदर जो है वो एक फैसला कुन बरतरी कर लेगी अपने नाम और यहाँ पर सीरीज़ को जीत जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि बनता है क्या। श्रीलंका की टीम 144/7 जिन्होंने स्कोर को चेज़ किया और 3 विकेटों से उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है, जिसके बाद वो अब 1-0 अब चले गए हैं सीरीज़ के अंदर। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये पहला T20 मुकाबला और क्या ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को आखिरी गेंद के ऊपर जाकर जीता है। बहुत ही उम्दा एफर्ट देखने को मिली इन दोनों ही टीम्स की तरफ से। यहाँ पर आखिरी ओवर के अंदर 14 रन बचाने थे ब्लेसिंग मुजरबानी को, लेकिन वो इन रन्स को नहीं बचा पाए और आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन्स खा गए, जिसकी वजह से टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को अब 3 विकेट्स के मार्जिन से जीत लिया है और सीरीज़ के अंदर अब ये टीम 1-0 अप चली गई है। तो कंग्रेचुलेशन टीम श्रीलंका को, हमारी तरफ से मुबारकबाद हो टीम श्रीलंका को जिन्होंने ये मुकाबला जीता और सीरीज़ के अंदर 1-0 की बढ़तरी को किया है अब अपने नाम। एक अच्छा एक्साइटिंग मैच जो है वो इन दोनों ही टीम्स के दरमियान देखने को मिला। यहाँ पर इस मुकाबले की बात की जाए तो जिम्बाब्वे की बैटिंग आई और जिम्बाब्वे की टीम की बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस रही, लेकिन कप्तान सिकंदर रदा बट ने अपनी टीम को जो है वो इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दोस्तों क्रिकेट खेली गई उनकी तरफ से और बॉलिंग हो जाए बैटिंग हो जाए उन्होंने दोनों ही तरह से जो है वो अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बनाकर जो है वो रखने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के उनकी टीम जो है वो उनका बिल्कुल भी साथ दे नहीं पाई और यहाँ पर हुआ कुछ यूं के फाइनल बॉल के ऊपर जो है वो दुष्मंता चमीरा ने 2 रन्स लिए और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को जितवाया। टीम जिम्बाब्वे की तरफ से 26 रन ओपनर ने बनाए, कामू ने बनाए और इसके बाद क्रेग वाइन ने 10 रन बनाए, 16 गेंदों का किया सामना उन्होंने। शॉन विलियम्स ने 20 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए, तो काफ़ी स्लो शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद सिकंदर रदाबट ने 42 गेंदों के ऊपर 62 रन की उमदा इनिंग्स खेली। रियान बर ने 5 रन बनाए, 9 गेंदों का किया उन्होंने सामना और ब्रायन ने 10 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। लुक जोंगवे ने 13 रन बनाए 8 गेंदों का सामना करते हुए, तो अच्छी इख्तितामी देखने को मिली टीम जिम्बाब्वे की तरफ से। 3 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 143 रन बनाने में ये टीम कामयाब हुई। 37 पर पहली विकेट गिरी 31 गेंदों के ऊपर जाकर, दूसरी विकेट 38 के स्कोर पर गिरी 36 गेंदों के ऊपर 38 रन दो विकेट आउट थी। तीसरी विकेट 83 के स्कोर पर 14वें ओवर के अंदर जाकर गिरी, 79 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम जो है वो जिम्बाब्वे का स्कोर। जिसके बाद 103 पर गिरी चौथी विकेट 16वें ओवर के अंदर, यहाँ पर 95 गेंदें और चौथी विकेट जाकर गिरी। 5वीं विकेट 129 के स्कोर पर 19वें ओवर के अंदर जाकर गिरी इस टीम की। बॉलिंग की बात की जाए तो एंजेलो मैथ्यूज ने 2 ओवर्स के अंदर 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए वो। निशांत तुषारा ने 4 ओवर्स के अंदर 43 रन दिए, बहुत महंगे रहे वो। महेश दीक्षांत ने 4 ओवर्स के अंदर 16 रन दिए, 2 विकेट ली, 1 विकेट ली। चमीरा ने 38 रन देकर 2 विकेट ली। वनिंदो हसारंगा ने 19 रन देकर, जबकि दासुन शानका ने 2 ओवर्स के अंदर 13 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं ले पाए वो। श्रीलंकन बैटिंग की अगर बात की जाए तो टीम श्रीलंका की तरफ से जब बैटिंग की शुरुआत हुई तो बहुत ही ख़राब शुरुआत उनकी भी हुई। 2 रन बनाए बाथुम निशानका ने और कुशाल मेंडिस ने 17 रन बनाए, 15 गेंदों का किया उन्होंने सामना। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर कुशाल परेरा ने जो है वो बनाए 17 रन 13 गेंदों का सामना किया। सरिया समरविक्रमा ने 9 रन बनाए, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 1 चौका उन्होंने लगाया, जबकि चारिथा श्रीलंका ने 16 रन बनाए 22 गेंदों का सामना किया। और इस स्टेज में ऐसा लग रहा था वनिंदो हसारंगा भी 0 के स्कोर पर आउट हुए और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका जो है वो इस मैच को लूज़ कर जाएगी, लेकिन उसके बाद दासुन शानका और एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। एंजेलो मैथ्यूज़ ने 38 गेंदों के ऊपर 46 रन बनाए, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। आखिरी ओवर के अंदर 2 चौके लगाए एंजेलो मैथ्यूज़ ने, पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया, दूसरी गेंद के ऊपर चौका लगाया और उसके बाद वो आउट हुए दोस्तों, लेकिन अपनी टीम को मैच के अंदर इन कर गए। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर दासुन शानका जो है वो 26 रन बनाने में कामयाब हुए, 18 गेंदों का सामना किया, 4 चौके उन्होंने लगाए और 144 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला उन्होंने। जबकि दुष्मंता चमीरा ने आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो 1 बाउंड्री लगाई और उन्होंने 1 डबल हासिल किया। जी हाँ, बहुत ही उम्दा जो है वो उन्होंने बैटिंग की दुष्मंता चमीरा ने। जी बिल्कुल दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज़ के आउट होने की देर थी कि दुष्मंता चमीरा ने जो है वो अगली ही गेंद को
चार रन के लिए खेला, पुल किया उन्होंने, टॉप एज हुए, गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से होते हुए गई चार रन के लिए, जिसके बाद दुष्मंता चमीरा ने अगली गेंद को विकेट के एरिया में खेला। फील्डर हालांकि पीछे जरूर थे लेकिन वो गेंद की पहुंच से दूर थे, दो रन लिए गए और इस तरह टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीता। पांच एक्स्ट्रा फेंकी गई, एक लेग बाय और चार वाइड के रन शामिल थे। पहली विकेट की बात की जाए तो वो दो के स्कोर पर जाकर गिरी जब पाथुम सांका आउट हुए पहले ओवर के अंदर। दूसरी विकेट 32 के स्कोर पर जाकर गिरी जब कुशाल परेरा आउट हुए पांचवें ओवर के अंदर जाकर। तीसरी विकेट 38 के स्कोर पर कुशाल मेंडिस छठे ओवर के अंदर आउट हुए। चौथी विकेट 51 के स्कोर पर सदीरा समरा विक्रमा आठवें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। जिसके बाद पांचवें विकेट 83 के स्कोर पर जाकर गिरी जब चारिथा स्लानका आउट हुए और वो चौदहवें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। जबकि छठी विकेट भी 83 के ही स्कोर पर गिरी जब वनिंदो हसारंगा 14 ओवर्स के अंदर 84 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम श्रीलंका के और उनकी 6 विकेटें गिर गई थी और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका इस मैच को हार जाएगी। लेकिन उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ जो दासुन शानका है उनके दरमियान एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली और एंजेलो मैथ्यूज़ 20वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, अपना काम कर गए। 130 के स्कोर पर जाकर 7वीं विकेट गिरी टीम श्रीलंका की और इस तरह वो आउट हुए। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो रिचर्ड नागरावन ने 4 ओवर्स के अंदर 34 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3 ओवर्स के अंदर 19 रन दिए थे, 1 विकेट ली हुई थी, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन खा गए जिसकी वजह से उनकी टीम ने मैच को लूज़ किया। लुक जोंगवे ने 3 ओवर्स के अंदर 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए। वेलिंगटन मसाकद्दा ने 4 ओवर्स के अंदर 21 रन दिए, 1 विकेट ली। जबकि सिकंदर रदा बट मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको देना चाहिए, भले ही टीम जो है वो जिम्बाब्वे नहीं जीत पाई लेकिन मैन ऑफ द मैच उनको ही देना चाहिए। 60 के ऊपर रन्स को स्कोर किया उन्होंने और 3 विकेटें ली इस मैच के अंदर 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 13 रन कर रहा, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दोस्तों देखने को मिली हमें सिकंदर अदाबट की तरफ से। जबकि शॉन विलियम्स ने 1 ओवर के अंदर 4 रन दिए और कोई भी विकेट लेने में वो कामयाब नहीं हुए। इस सीरीज़ की बात की जाए तो सीरीज़ का अब जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 तारीख को शाम के वक्त वो मुकाबला खेला जाएगा और सीरीज़ को बराबर करने के लिए टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतना है। जबकि अगर बात की जाए टीम श्रीलंका की तो श्रीलंका अगर उस मुकाबले को जीत लेती है तो उस मुकाबले को जीतने के बाद श्रीलंकन टीम सीरीज़ के अंदर जो है वो एक फैसला कुन बरतरी कर लेगी अपने नाम और यहाँ पर सीरीज़ को जीत जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि बनता है क्या। श्रीलंका की टीम 144 पे 7 जिन्होंने स्कोर को चेज़ किया और 3 विकेटों से उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है, जिसके बाद वो अब 1-0 अप चले गए हैं सीरीज़ के अंदर। श्रीलंका वर्सेज जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये पहला T20 मुकाबला और क्या ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को आखिरी गेंद के ऊपर जाकर जीता है, बहुत ही उम्दा एफर्ट देखने को मिली इन दोनों ही टीम्स की तरफ से। यहाँ पर आखिरी ओवर के अंदर 14 रन बचाने थे ब्लेसिंग मुजरबानी को लेकिन वो इन रन को नहीं बचा पाए और आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन खा गए, जिसकी वजह से टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को अब 3 विकेट्स के मार्जिन से जीत लिया है और सीरीज़ के अंदर अब ये टीम 1-0 अप चली गई है। तो कंग्रेचुलेशन टीम श्रीलंका को, हमारी तरफ से मुबारकबाद हो टीम श्रीलंका को जिन्होंने ये मुकाबला जीता और सीरीज़ के अंदर 1-0 की बढ़तरी को किया है अब अपने नाम। एक अच्छा एक्साइटिंग मैच जो है वो इन दोनों ही टीम्स के दरमियान देखने को मिला। यहाँ पर इस मुकाबले की बात की जाए तो जिम्बाब्वे की बैटिंग आई और जिम्बाब्वे की टीम की बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस रही लेकिन कप्तान सिकंदर रदा बट ने अपनी टीम को जो है वो इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दोस्तों क्रिकेट खेली गई उनकी तरफ से और बॉलिंग हो जाए बैटिंग हो जाए उन्होंने दोनों ही तरह से जो है वो अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बनाकर जो है वो रखने की कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली के उनकी टीम जो है वो उनका बिल्कुल भी साथ दे नहीं पाई और यहाँ पर हुआ कुछ यूं के फाइनल बॉल के ऊपर जो है वो दुष्मंता चमीरा ने 2 रन लिए और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को जितवाया। टीम जिम्बाब्वे की तरफ से 26 रन ओपनर ने बनाए, कामू ने बनाए और इसके बाद क्रेग वाइन ने 10 रन बनाए, 16 गेंदों का किया सामना उन्होंने। शॉन विलियम्स ने 20 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए, तो काफ़ी स्लो शुरुआत थी लेकिन उसके बाद सिकंदर रदाबट ने 42 गेंदों के ऊपर 62 रन की उमदा इनिंग्स खेली। रियान बर्ल ने 5 रन बनाए, 9 गेंदों का किया उन्होंने सामना और ब्रायन ने 10 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। लुक जोंगवे ने 13 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना करते हुए। तो अच्छी इख्तितामी देखने को मिली टीम जिम्बाब्वे की तरफ से। 3 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 143 रन बनाने में ये टीम कामयाब हुई।
हुई। 37 पर पहली विकेट गिरी 31 गेंदों के ऊपर जाकर, दूसरी विकेट 38 के स्कोर पर गिरी 36 गेंदों के ऊपर 38 रन जो विकेट आउट थी। तीसरी विकेट 83 के स्कोर पर 14वें ओवर के अंदर जाकर गिरी 79 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम जो है वो जिम्बाब्वे का स्कोर। जिसके बाद 103 पर गिरी चौथी विकेट 16वें ओवर के अंदर, यहाँ पर 95 गेंदें और चौथी विकेट जाकर गिरी। पांचवें विकेट 129 के स्कोर पर 19वें ओवर के अंदर जाकर गिरी इस टीम की। बॉलिंग की बात की जाए तो एंजेलो मैथ्यूज ने 2 ओवर्स के अंदर 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए वो। निशांत तुषारा ने 4 ओवर्स के अंदर 43 रन दिए, बहुत महंगे रहे वो। महेश दीक्षांत ने 4 ओवर्स के अंदर 16 रन दिए, 2 विकेट ली, 1 विकेट ली। चमीरा ने 38 रन देकर 2 विकेट ली। वनिंदो हसारंगा ने 19 रन देकर, जबकि दासुन शानका ने 2 ओवर्स के अंदर 13 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं ले पाए वो। श्रीलंकन बैटिंग की अगर बात की जाए तो टीम श्रीलंका की तरफ से जब बैटिंग की शुरुआत हुई तो बहुत ही ख़राब शुरुआत उनकी भी हुई। 2 रन बनाए बाथुम निशानका ने और कुशाल मेंडिस ने 17 रन बनाए, 15 गेंदों का किया उन्होंने सामना। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर कुशाल परेरा ने जो है वो बनाए 17 रन 13 गेंदों का सामना किया। सरिता समरविक्रमा ने 9 रन बनाए, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और एक चौका उन्होंने लगाया। जबकि चारिता असलंका ने 16 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया और इस स्टेज में ऐसा लग रहा था वनिंदो हसारंगा भी 0 के स्कोर पर आउट हुए और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका जो है वो इस मैच को लूज कर जाएगी। लेकिन उसके बाद दासुन शानका और एंजेलो मैथ्यूज ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। एंजेलो मैथ्यूज ने 38 गेंदों के ऊपर 46 रन बनाए, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। आखिरी ओवर के अंदर 2 चौके लगाए एंजेलो मैथ्यूज ने, पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया, दूसरी गेंद के ऊपर चौका लगाया और उसके बाद वो आउट हुए दोस्तों। लेकिन अपनी टीम को मैच के अंदर इन कर गए। जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर दासुन शानका जो है वो 26 रन बनाने में कामयाब हुए, 18 गेंदों का सामना किया, 4 चौके उन्होंने लगाए और 144 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला उन्होंने। जबकि दुष्मता चमीरा ने आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो एक बाउंड्री लगाई और उन्होंने एक डबल हासिल किया। जी हाँ, बहुत ही उम्दा जो है वो उन्होंने बैटिंग की दुष्मता चमीरा ने। जी बिल्कुल दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज़ के आउट होने की देर थी कि दुष्मता चमीरा ने जो है वो अगली ही गेंद को 4 रन्स के लिए खेला, पुल किया उन्होंने, टॉप एज हुए, गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से होते हुए गई 4 रन्स के लिए। जिसके बाद दुष्मता चमीरा ने अगली गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेला, फील्डर हालांकि पीछे ज़रूर थे लेकिन वो गेंद की पहुंच से दूर थे, 2 रन्स लिए गए और इस तरह टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीता। 5 एक्स्ट्रास फेंकी गई, 1 लेग बाय और 4 वाइड के रन शामिल थे। पहली विकेट की बात की जाए तो वो 2 के स्कोर पर जाकर गिरी जब बाथुम निशानका आउट हुए पहले ओवर के अंदर। दूसरी विकेट 32 के स्कोर पर जाकर गिरी जब कुशाल परेरा आउट हुए पांचवें ओवर के अंदर जाकर। तीसरी विकेट 38 के स्कोर पर कुशाल मेंडिस छठे ओवर के अंदर आउट हुए। चौथी विकेट 51 के स्कोर पर सदीरा समरविक्रमा आठवें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। जिसके बाद पांचवें विकेट 83 के स्कोर पर जाकर गिरी जब चारिता असलंका आउट हुए और वो 14वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। जबकि छठी विकेट भी 83 के ही स्कोर पर गिरी जब वनिंदो हसारंगा 14 ओवर्स के अंदर 84 गेंदों के ऊपर 83 रन थे टीम श्रीलंका के और उनकी 6 विकेटें गिर गई थी और ऐसा लग रहा था कि टीम श्रीलंका इस मैच को हार जाएगी। लेकिन उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ जो दासुन शानका है उनके दरमियान एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली और एंजेलो मैथ्यूज़ 20वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए, अपना काम कर गए। 130 के स्कोर पर जाकर 7वीं विकेट गिरी टीम श्रीलंका की और इस तरह वो आउट हुए। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो रिचर्ड नागरावन ने 4 ओवर्स के अंदर 34 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3 ओवर्स के अंदर 19 रन दिए थे, 1 विकेट ली हुई थी लेकिन आखिरी ओवर के अंदर वो 14 रन्स खा गए जिसकी वजह से उनकी टीम ने मैच को लूज़ किया। लूक जोंगवे ने 3 ओवर्स के अंदर 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए। वेलिंगटन मसाकद्दा ने 4 ओवर्स के अंदर 21 रन दिए, 1 विकेट ली। जबकि सिकंदर रदा बट मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको देना चाहिए, भले ही टीम जो है वो जिम्बाब्वे नहीं जीत पाई लेकिन मैन ऑफ द मैच उनको ही देना चाहिए। 60 के ऊपर रन्स को स्कोर किया उन्होंने और 3 विकेटें ली इस मैच के अंदर 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 13 रन देकर, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दोस्तों देखने को मिली हमें सिकंदर अदा भट्ट की तरफ से। जबकि शॉन विलियम्स ने 1 ओवर के अंदर 4 रन दिए और कोई भी विकेट लेने में वो कामयाब नहीं हुए। इस सीरीज़ की बात की जाए तो सीरीज़ का अब जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 तारीख को शाम के वक्त वो मुकाबला खेला जाएगा और सीरीज़ को बराबर करने के लिए टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतना है। जबकि अगर बात की जाए टीम श्रीलंका की तो श्रीलंका अगर उस मुकाबले को जीत लेती है तो उस मुकाबले को जीतने के बाद श्रीलंकन टीम सीरीज़ के अंदर जो है वो एक फैसला कुन बरतरी कर लेगी अपने नाम और यहाँ पर सीरीज़ को जीत जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि बनता है क्या। श्रीलंका की टीम 144 पे 7 जिन्होंने स्कोर